Are you the bloody best or not? सब प्लेयर हमेशा अपना टीम को जिताने के बारे में सोचता है। तुम अपने बाबा से बहुत प्यार करते हो ना? जान से भी ज्यादा। हम उनका हर सपना पूरा करना चाहते हैं। फुटबॉल जिंदगी है तुम्हारा, लेकिन इस फुटबॉल ने हमको क्या दिया? खेल खत्म। अजय देवगन का ड्रीम रोल क्या बॉलीवुड सिनेमा में अब कंटेंट के नाम पर स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में ही रह गई हैं बनाने को? क्या ये आने वाली फिल्म किसी के बायोपिक पर बेस्ड है? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। जहां 2020 और 2021 कोरोना वायरस को लेकर सुर्खियों में रहा है, वहीं बॉलीवुड भी अपनी स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज को लेकर सुर्खियों में है। जी हां, बात पिछले साल की करें तो कंगना की पंगा ने काफी धूम मचाई थी, जिन्हें दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। वहीं इस साल भी काफी स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म्स की होड़ लग गई है। फरहान की तूफान, विजय देवरकोंडा की लाइगर, शाहिद की जर्सी, परिणीति की साइना और रणवीर सिंह की 83। अब या तो हमारे देश में स्पोर्ट्स और उनकी कहानियां बहुत है, या तो डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास कोई और कंटेंट बचा नहीं है फिल्म बनाने के लिए। अब चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो या रिसेंटली आई फिल्म साइना ही क्यों ना हो। वहीं जहां सब डायरेक्टर एक के बाद एक स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म लेकर आ रहे हैं, वहीं अमित रविंद्रनाथ शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म मैदान से अपने दर्शकों को कुछ नया और इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। इस फिल्म को पहले 13 अगस्त को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इस फिल्म को अक्टूबर में 15 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में अजय देवगन के अलावा प्रियामणि गजराज रॉय और रुद्र नील घोष भी नजर आएंगे। इस फिल्म के अलावा अजय देवगन के पास कई फिल्में हैं, जिसमें भूज, द प्राइड ऑफ इंडिया, आरआरआर, मैड। फिल्म मैदान एक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम कोच और मैनेजर सईद अब्दुल रहीम की स्टोरी से इंस्पायर्ड होके बनाई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन का ड्रीम रोल था कि वो एक फुटबॉल कोच का रोल प्ले करे कभी ना कभी अपनी किसी फिल्म में, और लीजिए वो मौका अजय देवगन की लाइफ में आ गया। वहीं इस फिल्म में दो यूथ को नागालैंड से बुलाया गया है, मजीजोतो टेत्सो और मिसीवी कहिया। दोनों ही एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं और इस फिल्म में वो अजय देवगन के साथ नजर आएंगे। तब तक के लिए हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए कि आपको इस फिल्म की कास्टिंग कैसी लगी, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। जानिए कौन है निर्देशक अमित शर्मा, प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक का ऑफर क्यों टुकरा दिया था उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राड स्टूडियोज में। अमित रविंद्रनाथ शर्मा एक भारतीय निर्देशक और निर्माता है, जो मुख्य रूप से टेलीविजन विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। आइए आज हम आपको उनके फिल्म करियर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। अमित शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता भारत सरकार के लिए काम करते थे। जब वे स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त वह फिल्म निर्देशक प्रदीप सरकार से जुड़े, और जिन्होंने उन्हें मनाली में एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। 2001 में मुंबई शिफ्ट होने से पहले और अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 6 सालों तक प्रदीप सरकार के साथ काम किया। 2 साल बाद उन्होंने प्रदीप का साथ छोड़ दिया था और 2004 में उन्होंने आलिया सेन और हेमंत भंडारी के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी क्रोम पिक्चर्स की स्थापना की। उसी साल बाद उन्हें प्रदीप की एक फिल्म परिणीता में एक असिस्टेंट की भूमिका ऑफर हुई, जिसे उन्होंने टुकरा दिया। साल 2005 से लेकर 2015 के बीच अमित ने 900 से अधिक विज्ञापनों का निर्देशक किया है, जिनमें गूगल,
कोका कोला और अमेज़न जैसे कई ब्रांड भी शामिल है। 2011 में उन्होंने द साइलेंट नेशनल एंथम नामक एक विज्ञापन का निर्देशन किया था, जिसमें मूक और बधिर लोग साइन लैंग्वेज के माध्यम से जन गण मन का गायन करते दिखाई दे रहे थे। इसके लिए उन्हें कांस लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में एक सिल्वर अवार्ड भी मिला। 2013 में आए लाइफ बॉय के एक विज्ञापन में भारतीय गांवों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसके लिए उन्हें पाइक आशिया अवार्ड में गोल्ड मिला। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके द्वारा निर्देशित गूगल रियूनियन का विज्ञापन सबसे मशहूर रहा। 2013 में आए इस विज्ञापन में अदेड उर्म के दो आदमियों के रियूनियन की एक काल्पनिक कहानी थी, जहां एक भारत से था तो दूसरा पाकिस्तान से। दोनों के बचपन ही दोस्त थे, पर बंटवारे के बाद अलग हो गए। इस विज्ञापन का दोनों देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसने लोगों में उम्मीद जताई थी कि अब ट्रैवलिंग पर लगी रोक शायद कुछ कम हो सके। टेलीविजन पर आने से पहले ही यूट्यूब पर इस एड ने 1.6 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे। इस दौरान उनके काम को द इकोनॉमिक टाइम्स ने भारतीय विज्ञापन की समकालीन सबसे बड़ी हिट के रूप में वर्णित किया था। साल 2014 में अमित को निर्माता बोनी कपूर द्वारा फिल्म सेवर के निर्देशन के लिए आमंत्रित किया गया था, और हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा मिले। उसके बाद 2016 में उन्हें कांस लायंस क्राफ्ट की जूरी में चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म बधाई हो के निर्देशन पर काम शुरू कर दिया, जिसकी शूटिंग 2017 में शुरू हो गई थी। निर्देशन के अलावा उन्होंने इसे जंगली पिक्चर्स के साथ मिलकर अपने पिक्चर्स बैनर क्रोम पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि फिलहाल अमित पूर्व फुटबॉल कोच सायद अब्दुल रहीम के जीवन और करियर पर आधारित फिल्म मैदान की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। फिल्म इसी साल 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर किस अभिनेत्री को कहा जाता है पावर हाउस परफॉर्मेंस, और क्या है इस अभिनेत्री का एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ रिश्ता, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अभिलाषा दुबे, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, फैंस द्वारा पावर हाउस परफॉर्मेंस का खिताब पा चुकी प्रिया मणि आज सिर्फ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ ही नहीं बल्कि हिंदी भाषाओं में भी फिल्में करने लगी हैं। दोस्तों, अभिनेत्री प्रिया मणि आजकल सबकी चहेती बन चुकी है, और इस वक्त वे काफी चर्चे में है अपने आगामी फिल्म मैदान को लेकर, जो कि इसी वर्ष रिलीज होने वाली है। आइए जानते हैं अभिनेत्री प्रिया मणि की जिंदगी से जुड़े कुछ बातों को। दोस्तों, 4 जून 1986 को बैंगलोर के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी अभिनेत्री प्रिया मणि का पूरा नाम प्रिया वासुदेव मणि अय्यर है, और उनके पिता वासुदेव मणि एक प्लांटेशन का बिजनेस करते हैं। वहीं उनकी माता लता मणि नेशनल लेवल पर एक बैडमिंटन खिलाड़ी और एक मैनेजर भी रह चुकी है। दोस्तों, अभिनेत्री प्रिया अपने स्कूली दिनों में काफी सारे स्पोर्ट्स में भाग भी लेती थी, और उन दिनों वह कांचीपुरम सिल्क, लक्ष्मी सिल्क और ईरोड सिल्क में भी मॉडलिंग किया करती थी। और जब अभिनेत्री 12वीं कक्षा में गई तो तमिल के एक निदेशक भारती राजा ने उनका परिचय फिल्म इंडस्ट्री से करवाया। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री प्रिया मणि अभिनेत्री विद्या बालन की कजिन सिस्टर भी है। दोस्तों, अभिनेत्री प्रिया ने अपनी फिल्मी करियर इवाड़े अतमाड़ु नामक एक फिल्म से शुरू की, और मलयालम में उनकी करियर सत्यम नामक एक फिल्म से शुरू हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमिल फिल्म आधा ओडू कानाकल्लम से शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में कई फिल्में किए, जिसके बाद उन्हें निदेशक मणिरत्नम ने अपने हिंदी व तमिल फिल्म रावण के लिए साइन किया था। इसके बाद निदेशक व निर्माता रामगोपाल वर्मा ने भी उन्हें रक्त चित्र फिल्म के लिए चुना था। वैसे आपको बता दें कि अभिनेत्री प्रिया मणि ने शाहरुख खान स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस में एक एटम सॉन्ग भी किया था, और ये एटम सॉन्ग काफी बड़ी हिट भी रही थी। वैसे इसके अलावा प्रिया मणि अब अमेज़न प्राइम वीडियो में वेब सीरीज भी बना चुकी है, जिसमें लीड एक्टर मनोज बाजपेयी रहे थे, और इस वेब सीरीज का नाम द फैमिली मैन है।
अभिनेत्री प्रिया मणि को कई सारे नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है और 23 अगस्त 2017 को उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मुस्तफा राज से शादी कर लिया था। दोस्तों प्रिया मणि को उनके फैंस पावर हाउस परफॉर्मर का नाम दे चुके हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रिया मणि किसी भी तरह के रोल में फिट आ सकती हैं या वे किसी भी तरह के रोल को अदा कर सकती हैं। फिलहाल उनके आने वाले पिक्चर मैदान के लिए हमारे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जो कि आगामी 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा क्या हुआ जो उठाना पड़ा इस फिल्म को भारी नुकसान? क्यों डूब गए निर्माताओं के 7 करोड़? जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहाँ आपको देखने को मिलती है बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ इंडियन फिल्मों के साथ वेब सीरीज के बारे में अपडेट्स, फैक्ट्स और मनोरंजक ट्रिविया। फिल्म मैदान की काफी शूटिंग मार्च 2020 के पहले पूरी हो चुकी थी। अजय देवगन और फिल्म का पूरा क्रू अपनी फिल्म के आगे की शूटिंग के लिए रेडी थे, पर पूरी दुनिया भर में फैली महामारी की मार इस फिल्म को भी झेलनी पड़ी। निर्माताओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजय देवगन की फिल्म मैदान के क्लाइमेक्स की शूट के लिए पूरे स्टेडियम के सेट का निर्माण किया गया था। ये स्टेडियम का सेट मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन एरिया में क्रिएट किया गया था। इसकी बताई गई लागत करीब 7 करोड़ थी। इस सेट को बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं ने दर्जनों एकड़ जमीन 2 महीने के लिए किराए पर ली थी, पर इस कोरोना महामारी के कारण शूट को कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने अपने एक आधिकारिक बयान में भी बताया कि अमिताभ शर्मा जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये सीक्वेंस लास्ट में शेड्यूल किया था जो कि फिल्म में कई फुटबॉल मैच को जोड़ने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट था। इस सेट को टॉयलेट, मेकअप रूम्स और PCR यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम का सहारा लेकर काया पलट कर स्टेडियम बनाया था। निर्माता और निर्देशक को आशा थी कि लॉकडाउन जल्द ही खुल जाएगा, पर लॉकडाउन भी कोरोना वायरस की तरह निकला, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस सेट को यूज नहीं होने पर निर्माताओं को काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। बाद में जाकर बारिश होने की वजह से ये पूरी तरह से खराब हो गया। बाद में फिर से सेट को रिक्रिएट करना पड़ा, जिसके लिए फिर से एक बड़ा खर्चा हो गया। इस शेड्यूल में फॉरेन एक्ट्रेस की भी जरूरत थी, पर उनके देशों में भी अलग अलग नियमों की वजह से शूट काफी लंबा खिंच गया। फिल्म के बारे में और बात करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के बारे में बताया था कि फिल्म में खिलाड़ियों का रोल प्ले करने वाले सारे प्लेयर्स नए हैं, इन्हें पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग दी गई है और अब ये एक अच्छे फुटबॉलर बन गए हैं। हमें इस फिल्म के कई सीन कोलकाता में भी शूट करवाने थे क्योंकि कोलकाता फुटबॉल का हब है और इस शहर की फुटबॉल से जुड़ी हिस्ट्री भी रही है, पर एन वक्त पर सब शूट कैंसिल करवाने पड़े। मैदान को बधाई हो फिल्म डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉनी कपूर, आकाश चावला, अरुणवा राय सैन गुप्ता। प्रोडक्शन हाउस के बैनर में है जी स्टूडियो। फिल्म के बारे में और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को और पाते रहिए फिल्मी दुनिया के फ्यूचर अपडेट्स। शुक्रिया। क्या अजय देवगन की मैदान में शामिल होंगे दुनिया भर के फुटबॉल खिलाड़ी? क्या होने वाली है मैदान की खास बातें? कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग आखिरी चरण में है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक ने बताया कि इस फिल्म में दुनिया भर से फुटबॉल खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं और जल्दी ही अलग अलग टीमों की शूटिंग भी होने वाली है। अमित शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। वो क्वारंटीन पर थे, लेकिन अब वो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं और वापस लौट चुके हैं। शूट शुरू भी हो चुका है। मैदान के लिए फुटबॉल मैच के सीरीज शॉट किए जाएंगे, जहां भारत को अन्य देशों के साथ फुटबॉल मैच खेलते दिखाया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए निर्देशक ने कहा, थाईलैंड से खिलाड़ी भारत पहुंच चुके हैं, वो मेरे कोरोना नेगेटिव होने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हम उनके मैच के साथ शूटिंग शुरू करेंगे और फिर कुछ दिनों की ब्रेक लेकर सभी दूसरे देशों के साथ मैच की शूटिंग करेंगे। ये एक टाइट शेड्यूल होने वाला है। मार्च से ही इस हिस्से की शूटिंग होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से टल गई। निर्देशक ने कहा, हम एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होगा। मैदान 15 अक्टूबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज होने वाली है। आपको बता दें, फिल्म की लगभग 1 महीने की शूटिंग अभी बची है। निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि लगभग 1 महीने की शूटिंग बाकी है, लेकिन ये मई अंत तक जाएगी, क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए होगा ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सके। वहीं अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार करने वाले हैं।
फिलहाल फिल्म की आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने दिल खोलकर तारीफ की और कहा अजय सर ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को जरूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी, मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार हैं। वहीं फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्णकाल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया। बोनी कपूर ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है मैं बहुत खुश हूँ, अमित शर्मा ने शानदार काम किया है और वाकई दोस्तों तहलका मचाने को तैयार है और इसे अगस्त के महीने में रिलीज किया जाना है। इसी साल RRR के साथ इसका क्लैश हो सकता है। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं मैदान का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे जानिए कौन है निर्देशक अमित शर्मा, प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक का ऑफर क्यों ठुकरा दिया था उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। अमित रविंद्रनाथ शर्मा एक भारतीय निर्देशक और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविजन विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। आइए आज हम आपको उनके फिल्म करियर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। अमित शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता भारत सरकार के लिए काम करते थे। 2001 में मुंबई शिफ्ट होने से पहले और अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 6 सालों तक प्रदीप सरकार के साथ काम किया। 2 साल बाद उन्होंने प्रदीप का साथ छोड़ दिया था और 2004 में उन्होंने आलिया सेन और हेमंत भंडारी के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी क्रोम पिक्चर्स की स्थापना की। उसी साल बाद उन्हें प्रदीप की एक फिल्म परिणीता में एक असिस्टेंट की भूमिका ऑफर हुई जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। साल 2014 में अमित को निर्माता बोनी कपूर द्वारा फिल्म तेवर के निर्देशन के लिए आमंत्रित किया गया था और हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यू ज्यादा मिले। इसके बाद उन्होंने फिल्म बदाय हो के निर्देशन पर काम शुरू कर दिया जिसकी शूटिंग 2017 में शुरू हो गई थी। निर्देशन के अलावा उन्होंने इसे जंगली पिक्चर्स के साथ मिलकर अपने पिक्चर्स बैनर क्रोम पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस भी किया था। आपको बता दें कि फिलहाल अमित पूर्व फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के जीवन और करियर पर आधारित फिल्म मैदान की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। फिल्म इसी साल 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है रूही अजय देवगन की मैदान की शूटिंग क्या होने वाली है, मैदान की खास बातें, कब ये रिलीज होगी और किससे क्लैश होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जुआल। बॉलीवुड में एक बार फिर से कोरोना का कहर काफी तेज हो चुका है। एक के बाद एक कई कलाकार कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हाल ही में अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान के निर्देशक अमित शर्मा को कोरोना हो गया था जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई, वो क्वारंटीन हो गए और अब वो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। आपको बता दें फिल्म की लगभग 1 महीने की शूटिंग बची है। निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि लगभग 1 महीने की शूटिंग बाकी है लेकिन ये मई तक जो एंड होगा तब तक हो पाएगी क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सकता है। और वहीं फिल्म से जुड़ी एक सूत्र ने बताया कि अमित हाल ही में कोरोना नेगेटिव हुए हैं, वो अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और जल्दी ही शूटिंग में वापस लौटेंगे। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। वहीं बोनी कपूर ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है मैं बहुत खुश हूँ, अमित शर्मा ने शानदार काम किया है, ये उनकी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शामिल होगी। ये एक ऐसी रियल घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। वहीं अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने खोलकर तारीफ की, दिल खोल दिया उन्होंने और कहा कि अजय सर ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को जरूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर
खुद को तैयार किया, बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी और मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार है। वहीं आपको बता दें, ये फिल्म 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज किया जाना है। फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण काल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया। वहीं सैयद पेशे से एक टीचर थे, उनमें लोगों को प्रोत्साहित करने की बड़ी खूबी थी, इसी का फायदा उन्हें मिला। और 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच रखा गया। उनके आने के बाद हैदराबाद टीम ने कई बार कप भी जीता और कई बार फाइनल में भी पहुंची। कैंसर होने के बाद भी देश और खेल के प्रति उन्होंने अपना जोश हमेशा कायम रखा और 1962 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपनी टीम का गठन किया। भारतीय टीम ने सैयद के नेतृत्व में खुद को फाइनल तक पहुंचाया भी। तो दोस्तों, फाइनली मैदान बनकर रिलीज होगी। आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, जहां आज हम जानेंगे भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में। भारत में हर खेल को बड़े ही उत्साह से देखा और खेला जाता है। खासकर क्रिकेट को तो मानिए कि धर्म माना जाता है, वहीं फुटबॉल भी एक बहुत बड़ा खेल माना जाता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स में जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक आइकॉन माना जाता है, वहीं भारत में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी खूब प्रशंसा होती है। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। तो पहला नंबर आता है भाईचुंग भूटिया। भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में लोकप्रिय भाईचुंग भूटिया फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक जाना माना नाम है। इन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को मनाकर तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सम्मान दिखाया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए 82 मैचों में 41 गोल किए हैं, जो कि निश्चित रूप से ही एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है, जो इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों के रूप में चुने जाने के विकल्प में स्थापित करता है। दूसरा, संध्या झिंगन। संध्या झिंगन भारत के लिए एक रक्षक की तरह है, जो फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक घरेलू नाम है। 2014 में इन्होंने राइजिंग प्लेयर का पुरस्कार जीता। 2015 में भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत की। वो 2017 में एक नए सौदे पर हस्ताक्षर करके सुपर लीग के लिए सबसे अधिक भुगतान करने वाला डिफेंडर बने। हालांकि 2020 में उन्होंने ये क्लब छोड़ दिया। कई मौकों पर उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। तीसरा, सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान सुनील छेत्री निश्चित रूप से भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में होने के योग्य हैं। छेत्री को 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। सुनील छेत्री की बेहतर कप्तानी की बदौलत भारत ने साल 2008 में 27 साल में पहला एशियाई कप जीता। उन्हें बेशक ही सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर कहा जा सकता है, क्योंकि वो सक्रिय फुटबॉलर हैं जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरा सर्वोच्च गोल किया है। नेक्स्ट, गुरप्रीत सिंह संधु। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का नाम लेते हुए गुरप्रीत सिंह संधु का नाम ना आए तो गलत होगा। पूर्वी बंगाल और बेंगलुरु के लिए 28 वर्षीय गोलकीपर फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 साल तक पूर्वी बंगाल के लिए गोलकीपिंग के दौरान ख्याति अर्जित की। इस दौरान उनको 2011 में अंतर्राष्ट्रीय कॉलअप में डेब्यू करने का अवसर भी मिला। नेक्स्ट, जीजे लाल पेखलुआ। जीजे एक अन्य प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर हैं, जो चेन्नईयन और भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम दोनों में ही खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत से ही दूसरे सबसे बड़े भारतीय गोलकीपर होने के नाते उन्होंने लाइमलाइट और सफलता हासिल की। फुटबॉलरों के परिवार से आने के कारण उनकी रुचि हमेशा से ही इस खेल में थी। 2015 में उनके करियर ने उड़ान भरी जब उन्होंने मोहन बागान और इंडियन सुपर लीग में चेन्नईयन के साथ आई लीग जीती। उन्होंने भारत की 2011 SAFF कप चैंपियनशिप जीत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 SAFF कप में 3 महत्वपूर्ण गोल किए। लोकप्रियता के साथ अपने करियर में वो आगे निकल गए और कुछ ही समय में एक युवा आइकॉन बन गए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है
क्या अजय देवगन की फिल्म मैदान होगी उनकी करियर की बेस्ट फिल्म? इस बारे में निर्माताओं ने क्या कहा, क्या होने वाली है अजय देवगन की फिल्म की खास बातें और कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक मैदान की शूटिंग जारी है। इस फिल्म को 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाना है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने मैदान पर खुलकर बात की और कहा कि यह अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल होगी। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है, जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में निर्माता बोनी कपूर ने कहा, लगभग एक महीने की शूटिंग बाकी है, लेकिन ये मई अंत तक जाएगी, क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए होगा ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सके। वहीं निर्माता ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अमित शर्मा ने शानदार काम किया है, ये उनकी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। ये एक ऐसी रियल घटना है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। मैदान पर बात करते हुए निर्देशक अमित शर्मा ने कहा कि इस फिल्म के लिए हमें एक ऐसे फुटबॉलर्स की ज़रूरत थी जो अभिनय भी कर सके, ना कि ऐसे एक्टर जो फुटबॉल खेलने का नाटक कर सके। मुझे लगता है जो मैंने चाहा था मुझे वैसे ही खिलाड़ी मिले। वहीं अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने दिल खोल कर तारीफ की अजय सर के बारे में। उन्होंने कहा कि अजय ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को ज़रूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया, बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी। मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार है। बिल्कुल सही बात कही, अजय देवगन जो भी फिल्म करते हैं उसमें अपना 101% देते हैं, इसीलिए उभर कर आती है। आपको बता दें, इस फिल्म में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में दिखेंगे। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बधाई हो जैसी फिल्म के निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा। तो बेहतरीन जुगलबंदी इसमें देखने को मिलेगी। कमाल के एक्टर हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं। फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्णकाल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया था। वहीं सैयद पेशे से एक टीचर थे, उनमें लोगों को प्रोत्साहित करने की खूबी थी, इसी का फ़ायदा उन्हें मिला और 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच रखा गया। उनके आने के बाद हैदराबाद टीम ने कई कप जीते, कई बार फाइनल में भी पहुंची। कैंसर होने के बाद भी देश और खेल के प्रति उन्होंने अपना जोश हमेशा कायम रखा। 1962 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपनी टीम का गठन किया। भारतीय टीम ने सैयद के नेतृत्व में खुद को फाइनल तक भी। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय देवगन की मैदान का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियो। ऐसी कौन सी पांच बातें हैं इस फिल्म के बारे में जो इसे फुटबॉल फैंस के लिए परफेक्ट बनाती हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेया अरोरा और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्रास स्टूडियोज पर। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली मशहूर फिल्म मैदान के बारे में। अब वैसे तो इसके नाम से ही साफ हो जा रहा है कि ये फिल्म किसी मैदान से संबंधित होगी, लेकिन वो मैदान लड़ाई का मैदान होगा या खेल का? और अगर खेल का मैदान होगा तो कौन से खेल का, ये बात साफ नहीं हो रही है। और यही समझाने में मदद करता है इस फिल्म का पोस्टर, जिसपे अजय देवगन फुटबॉल खेलते नजर आ सकते हैं बाकी खिलाड़ियों के साथ। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो वैसे तो भारत में बहुत पहले से खेला जाता है, जैसा कि इस फिल्म से ही साबित हो जाएगा, पर अभी कुछ दशकों से ही लोगों का वो प्रेम मिला है इसे कि मान लीजिए ये एक अनऑफिशियल नेशनल गेम बन गया हो। अब क्योंकि हाल ही में इसने इतना नाम कमाया है तो मैदान ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो कि भारत के फुटबॉल में प्रदर्शन को फिल्म द्वारा लोगों तक पहुंचाएगी। अब क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है तो बेशक फुटबॉल के सभी फैंस इसकी रिलीज के लिए खूब इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, आपके इस इंतजार को और भी मस्त बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ पांच ऐसी बातें जिसे सुन के आप सभी फुटबॉल फैंस बहुत खुश हो जाएंगे।
तो चलिए शुरू करते हैं पहले फैक्ट से, जो कि ये है कि इस फिल्म के लिए इसके मुख्य अभिनेता और बाकी अभिनेता फुटबॉल सीख रहे हैं, और वो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि फिल्म के ये सीन्स असली लगे। और यही नहीं बल्कि फिल्म को असलियत का टच देने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा रहा है, जैसे कि इसके लिए सैयद अब्दुल रहीम के बारे में इसके मेकर्स ने बहुत जांच पड़ताल की है, और यही लीड करता है हमारा नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो इसके बारे में अगला फैक्ट ये है कि जब ये बनना शुरू ही हुई थी तब इसके सेट पर मिलने एक बहुत ही खास हस्ती ऐसी आई थी जिनसे इस फिल्म के बारे में और जिस दौरान में ये फिल्म सेट की गई है उसके बारे में बहुत कुछ पता चला था। ये हस्ती थी पीके बैनर्जी, जो कि एक पुराने समय के फुटबॉल खिलाड़ी है। इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने सैयद अब्दुल रहीम के नीचे टीम में खेला है। इन फैक्ट जब इन्हें पता चला था कि ये फिल्म सैयद के ऊपर बन रही है तो वो ये बीमार होने के बावजूद सेट पर आए और क्रू को देखा और उनसे काफ़ी बातचीत करी, उनको काफ़ी बातें बताई सैयद के साथ काम करने के बारे में, और जहां इनसे क्रू को काफ़ी जानकारी मिली उस वक्त के बारे में, उनका आशीर्वाद भी मिला है इस फिल्म की अच्छी तरक्की के लिए। खैर अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनकर तो शायद बॉलीवुड लवर्स के होश ही उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि असल में खबर ये आ रही है कि फिल्म में इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी भी होने वाले हैं, और ये खबर शुरू में बहुत आई थी जब इस फिल्म के बनने की सिर्फ अनाउंसमेंट ही की गई थी। अब आपको बता दें कि जिस तरह से COVID-19 की बीमारी के कारण इस फिल्म के शूट को टाला जा रहा है, लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये बात सच हो और बीमारी का प्रकोप जब कम हो जाए तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपने देश से बुलाकर यहाँ इस फिल्म में रोल दिया जाए। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट इस फिल्म के बारे में है कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि खेल दिखाया जाएगा किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह, बल्कि इसमें फुटबॉल का सुनहरा युग को भी दिखाया जाएगा, और इस युग की हर अच्छी बुरी बात दिखाई जाएगी, जैसे वो कि उस वक्त किस तरह देश की सरकार इस खेल पर पैसे नहीं खर्चती थी। फुटबॉल के खेल पर तो इस कंजूसी से पैसा खर्चा जाता था कि उस वक्त खिलाड़ियों के पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। सैयद ने ये बदलाव लाया कि उन्होंने जिद करके जूतों की सप्लाई करवाई भारतीय फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि जूते एक बहुत बड़ी कठिनाई बन चुकी थी और इस खेल के लिए अच्छे जूते होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम अलविदा लेते हैं आप सबसे। उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर के फिल्मी नर्ड को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ऐसा हुआ है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हमें कमेंट करके बताइए आप हमारी अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो की स्क्रिप्ट थी प्रणामिका के द्वारा। चलिए अब अलविदा कहते हैं, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के पे पर व्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद इंडस्ट्री में इस बात के कयास तेज हो गए थे कि मौजूदा हालात में क्या दूसरे प्रोड्यूसर्स भी अपनी फिल्मों को लेकर इसी मॉडल को अपनाएंगे। अजय देवगन की फिल्म मैदान को लेकर भी इस तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। फिल्म पे पर व्यू के आधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा सकती है, मगर अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके इन बातों का खंडन किया है। आपको बता दें कि मैदान एक स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर हैं बोनी कपूर। प्रोड्यूसर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कहा गया है, मैदान को पेपर व्यू के आधार पर रिलीज करने के लिए फिलहाल किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बातचीत नहीं चल रही है। फिलहाल हमारा ध्यान सभी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फिल्म को पूरा करने और गवर्नमेंट द्वारा दी गई प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का फॉलो करना है। अमित शर्मा के डायरेक्शन में बन रही मैदान फुटबॉल कुछ सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक है। अजय देवगन की यह पहली स्पोर्ट्स फिल्म है। मैदान की कहानी 1952 से लेकर 62 के बीच इंडियन फुटबॉल के सुनहरे दौर में सेट की गई है। फिल्म के को प्रोड्यूसर जी स्टूडियो भी शामिल है, जो सलमान खान की फिल्म जिसने राधे को भी रिलीज किया था। इसीलिए राधे की जी प्लेक्स पेपर व्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद मैदान को लेकर चर्चा छिड़ गई। वैसे अभी तक अनाउंसमेंट के अनुसार मैदान 15 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में प्रिया मणि फीमेल लीड में है, जो मनोज बाजपेयी के साथ दी फैमिली मैन वेब सीरीज में नजर आई थी। इस कैरेक्टर के लिए पहले कीर्ति सुरेश को कास्ट किया गया था। वेल दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर?
क्योंकि देखा जाए तो ये टोटली मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। क्या हमें कई मैचेस देखने को मिलेंगे फुटबॉल के? और मेरे ख्याल से तो ऐसी चीजें हमें बड़े स्क्रीन पर देखना ज्यादा मजा आएगा। वेल, आपको क्या लगता है कि OTT और बिग स्क्रीन? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड। देवगन की मैदान RRR से टकरा सकती है क्या? मैदान को अब डिजिटली रिलीज कर देंगे मेकर्स? क्या होने वाली मैदान की खास बातें? और ताऊते तूफान ने क्या मैदान के सेट पर मचाई तबाही? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई के पे पर व्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद इंडस्ट्री में इस बात के कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए दूसरे मेकर्स भी यही मॉडल अपनाने वाले हैं। वहीं अजय देवगन की फिल्म मैदान को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। फिल्म पे पर व्यू के आधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा सकती है, मगर अब फिल्म के निर्माताओं ने एक स्टेटमेंट दी है और इन खबरों का खंडन भी किया है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण बोनी कपूर, आकाश चावला और अरुणाव जॉय सेन गुप्ता ने किया है। वहीं मेकर्स ने गुरुवार को एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें कहा गया कि मैदान को पे पर व्यू के आधार पर रिलीज करने के लिए फिलहाल किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बातचीत नहीं चल रही है। फिलहाल हमारा ध्यान सभी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फिल्म को पूरा करने और सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने की ओर है। आपको बता दें, अमिताभ शर्मा के निर्देशन में बन रही मैदान फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के बायोपिक है। अजय देवगन की ये फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। मैदान की कहानी 1952 से 62 के बीच भारतीय फुटबॉल के सुनहरे दौर में सेट की गई है। फिल्म के सह निर्माताओं में जी स्टूडियोज भी शामिल है जो सलमान की फिल्म राधे के निर्माण से भी जुड़ा था। इसीलिए राधे की जी प्लेक्स पर पे पर व्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद मैदान को लेकर भी इस तरह की चर्चा छिड़ गई थी। वैसे अभी तक कोई भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिलीज की बात करें तो 15 अक्टूबर को इसे रिलीज किया जाना है थिएटर्स में। वहीं RRR को भी थिएटर्स में इसी दौरान रिलीज किया जाना है। ऐसे में मैदान के मेकर्स भी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे RRR के जो डायरेक्टर है SS राजामौली उनसे, क्योंकि राजामौली ने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इस बारे में और रिलीज डेट अनाउंस कर दी, जबकि इससे पहले ही मैदान के मेकर्स रिलीज डेट को अनाउंस कर चुके थे। वहीं दोस्तों, अभी आपको बता दें मुंबई में ताऊते तूफान चल रहा है जिस वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है, बहुत सारे फिल्मों के सेट को नुकसान पहुंचा है और इस लिस्ट में मैदान का नाम भी शामिल हो चुका है और भारी नुकसान पहुंचा है मैदान के सेट को। फिलहाल अब देखना होगा कि कोविड सिचुएशन कब अंडर कंट्रोल होंगी और सारी फिल्में एक बार फिर से पटरी पर दौड़ेंगी और रिलीज होंगी। आपको कितना इंतजार है अजय देवगन की मैदान का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। कौन सी फिल्में देंगी इस साल एक दूसरे को टक्कर? क्या मैदान फिल्म के सामने SS राजमौली की पैन इंडिया प्रोजेक्ट RRR टिक पाएगी? कौन सी फिल्मों का हिस्सा होने वाले हैं अजय देवगन? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। अजय देवगन इस साल कई दमदार फिल्मों का हिस्सा होने वाले हैं। आने वाले 15 अक्टूबर को जहां अजय देवगन की फिल्म मैदान रिलीज होगी, वहीं दूसरी तरफ इस साल अजय गोलमाल 5, सिंघम 3, मेडे और पहली बार वेब सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस में लीड रोल करते नजर आने वाले हैं। तो अजय इस साल अपने फैंस को एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा से भरी इन सब फिल्मों से चौंकाने के लिए है तैयार। वहीं दूसरी तरफ आने वाली फिल्म मैदान SS राजमौली की पैन इंडिया प्रोजेक्ट RRR के साथ दोनों फिल्में आमने सामने टक्कर देती दिखेंगी। वहीं आपको बता दें, आने वाले साल कई दमदार फिल्में आपको देखने को मिलने वाली है और इन्हीं दमदार फिल्मों का होने वाला है दूसरी कई जबरदस्त फिल्मों के साथ टक्कर। जी हां, आने वाली बहुत सी फिल्मों का क्लैश हो रहा है। चलिए देखते हैं कौन सी फिल्में टकराएंगी एक दूसरे के सामने। बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी शाहिद कपूर की अगली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की एक्शन फिल्म धाकड़ दोनों ही दिवाली के समय रिलीज की जा रही है इस साल। अब देखना होगा कि इसमें कौन सी फिल्म मचाती है धमाल। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म
गंगूबाई कैथीवाड़ा की बात करें तो इस फिल्म का क्लैश होने वाला है बाहुबली प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम, जो कि 30 जुलाई को हमें देखने को मिल सकती है। जी हाँ, दोनों ही फिल्में काफी दमदार हैं। ऐसे में जहां आलिया की फिल्म लगातार सुपरहिट गई है, चाहे वो गली बॉय हो, हाईवे हो या राजी, सब फिल्मों में आलिया ने जबरदस्त एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। वहीं प्रभास की सुपर डुपर हिट फिल्म रही बाहुबली, जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया है। ऐसे में जब ये दोनों दमदार कलाकार की फिल्में आमने सामने टकराएंगी तो देखना काफी मजेदार होगा कि कौन सी फिल्म कमाल दिखाती है। तो आने वाली इन सब फिल्मों में कौन किसके छक्के छुड़ाता है, ये देखने में काफी मजा आने वाला है। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, अजय की मैदान और आरआरआर में से कौन सी फिल्म मचा सकती है ज्यादा हंगामा बॉक्स ऑफिस पर। आखिर कौन सी फिल्मों से प्रियामणि ने बॉलीवुड फिल्मों की शुरुआत की, किस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और कौन कर रहा है अजय की माँ का किरदार इस फिल्म में? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज़ में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म मैदान से रिलेटेड कुछ काफ़ी रोचक बातें। एक ही आइटम नंबर से सुर्खियों में आने वाली अभिनेत्री प्रियामणि आपको फिल्म मैदान में एक माँ का रोल प्ले करती नज़र आने वाली हैं। 1, 2, 3, 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी सुपरहिट फिल्म का ये सुपरहिट आइटम सॉन्ग, जिसे प्रियामणि ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और आते ही सबके दिलों को जीत लिया। प्रियामणि एक काफ़ी पॉपुलर भारतीय अभिनेत्री और मॉडल भी हैं, जिन्होंने इवारे अतागदू, जो 2003 में आई थी, फिर 2007 में आई फिल्म पारुथी वीरन, यामाडोंगा, थिरक कथा 2008 जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। प्रिया वसुदामानी अय्यर उर्फ प्रियामणि की अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रूप में सफल रही हैं, इसके चलते उनके पास फेमस और अधिक फिल्मों के काफ़ी ऑफर भी आए। 2012 में आई थी फिल्म अलोन पर आधारित मल्टीलिंगुअल फिल्म चारुलता में जुड़वा बच्चों के उनके इस किरदार को बहुत ही तारीफें मिली थी और फिल्म फेयर में तीसरा सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया था। इनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो ये यही ख़त्म नहीं होती। 2015 और 2016 में लगातार 2 साल तक बेस्ट सेलिब्रिटी जज के लिए एशिया विजन टेलीविजन अवार्ड भी जीता था इन्होंने। 2008 की मलयालम फिल्म तिरक कथा में मालविका के रूप में इनकी एक्टिंग के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। प्रियामणि को हाल ही में अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज फैमिली मैन में मनोज बाजपाई के साथ काम करते देखा गया था। प्रियामणि की पसंदीदा चीज़ों की बात की जाए तो इन्हें आइसक्रीम, चिकन बिरयानी और चॉकलेट्स काफ़ी पसंद है। वहीं खेल कूद में उनको क्रिकेट देखना और खेलना भी पसंद है। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी लेजेंडरी हवा हवाई, यानी कि श्रीदेवी जी। वहीं एक्टर की बात की जाए तो प्रियामणि को कमल हसन काफ़ी पसंद है। अब आपको बता दें, 2021 में आ रही फिल्म मैदान में अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी प्रियामणि। देखते हैं इस फिल्म में क्या कमाल दिखाएंगी ये अभिनेत्री। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको प्रियामणि की सबसे ज़बरदस्त एक्टिंग किस फिल्म में लगी और क्यों, और साथ ही साथ आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें भी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पॉलीग्रास स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की स्क्रिप्ट राइटर हैं स्नेहा। होगी फिल्म मैदान की रिलीज, कौन कर रहा है इस फिल्म को डायरेक्ट, क्या फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है? नमस्कार, बॉलीग्रास स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन अब अपनी आने वाली फिल्म में पहली बार एक स्पोर्ट्स कोच की भूमिका में नजर आने वाले हैं। आने वाली फिल्म मैदान की कहानी सईद अब्दुल रहीम की लाइफ पे बेस्ड होने वाली है और इस फिल्म में अजय सईद अब्दुल का किरदार निभाते नजर आएंगे। जैसा हम हमेशा से ही अजय देवगन को एक्शन और अब कुछ सालों से कॉमेडी फिल्मों का हिस्सा बनते देख रहे हैं, चाहे वो रोहित शेट्टी की गोलमाल के सीक्वल्स हो या एक्शन फिल्म सिंघम के सीक्वल्स, शुरू से ही अजय देवगन अपने इन्हीं जॉनर के लिए फेमस रहे हैं। अब आने वाली फिल्म मैदान, जो कि एक रियल इंसिडेंट पे घटी एक घटना की कहानी होने वाली है, जिसमें
लाजमी है कि हमें कोई एक्शन और इतनी कॉमेडी शायद ही देखने को मिले। तो अजय का ये नया स्टाइल भी देखते हैं कि इसमें क्या नया अजय अपने दर्शकों के लिए लाते हैं। वही फिल्म अब अक्टूबर 15 को रिलीज की जाएगी। पहले ये फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में अजय देवगन, संग प्रियमणि, गजराज रॉय और रुद्रालय घोष भी नजर आएंगी। फिल्म की ऑलमोस्ट शूटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमित रविंद्रनाथ शर्मा, जो डायरेक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी है। 2018 में आई अमित शर्मा की डायरेक्शनल फिल्म बधाई हो उसी साल यानी 2018 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी बॉलीवुड की, जिसे 220.34 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। डायरेक्शन के पहले अमित शर्मा 2005 से 2015 तक 900 से भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनमें गूगल, कोका कोला और अमेजोन शामिल हैं। 2014 में प्रोड्यूसर बॉनी कपूर द्वारा अमित शर्मा को उनके बेटे यानी अर्जुन कपूर की फिल्म तेवर को डायरेक्ट करने का ऑफर मिला, जहां ये फिल्म तेलुगु की फिल्म ओकाडू का रीमेक रही। वहीं ये फिल्म बॉलीवुड में अपना कमाल नहीं दिखा पाई और इस फिल्म को काफी पुअर रिव्यू अपने नाम करने पड़े। अब अमित शर्मा बधाई हो के बाद अजय देवगन की मैदान को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखना होगा अब इस फिल्म से अमित शर्मा कितना कलेक्शन बना पाते हैं। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अजय को इस फिल्म में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बॉलीग्राड। किन पिक्चरों में जल्दी नजर आएंगे अजय देवगन? किस फिल्म के लिए है उनके फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड? कब होगा ये फिल्म रिलीज? इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की आगामी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, अजय देवगन इन दिनों काफी चर्चे में हैं, क्योंकि वे बहुत जल्द ही कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। अजय ने हमेशा से ही अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन दिया है। उनके एक्शन सीन्स लोगों को काफी पसंद आता है और जिस कारण ही उन्हें बहुप्रतीक्षित अभिनेता माना जाता है। उनकी फिल्म तानाजी ने जो कमाई किया था और जो बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन दिया था वह काबिले तारीफ है। उनके फैंस हमेशा से ही उनके फिल्मों के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आइए जानते हैं वे किन किन फिल्मों में बेहद जल्द नजर आने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया की। आपको बता दें कि यह फिल्म अभिषेक दुधाया द्वारा निर्देशित की जा रही है और ये फिल्म एक आगामी हिंदी भाषी वॉर एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में 1971 के इंडो पाकिस्तान युद्ध को दर्शाया जाएगा। ये फिल्म एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है, इस बात में कोई संशय नहीं है। इस फिल्म में अजय के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नौरा फतेही भी मुख्य कलाकार के रूप में शामिल होंगी। इसके अलावा अजय मे डे में भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेता के रूप में नजर आएंगे। ये फिल्म दोहा कोची फ्लाइट वाली इंसिडेंट से रिलेटेड रहेगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत भी नजर आएंगी। वहीं अजय आलिया भट्ट की तेलुगु फिल्म RRR में भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दिखेंगे। इन सब के अलावा वे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित अपने आगामी फिल्म मैदान को लेकर है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। दोस्तों, मैदान एक आगामी भारतीय हिंदी भाषी जीवनी पर आधारित फिल्म है, जो कि भारतीय फुटबॉल 1952 से 1962 के स्वर्ण पदक युग पर आधारित है। इसमें अजय देवगन ने मुख्य अभिनेता के रूप में फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रूप में नजर आएंगे। मैदान अमित शर्मा द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित की जा रही है। बता दें कि यह बहुप्रतीक्षित फिल्म दशहरा के मौके पर 15 अक्टूबर 2000। तो कितना जानते हैं आप अभिनेत्री प्रियामणि के बारे में? किस किरदार में नजर आएंगी वह आगामी फिल्म मैदान में? क्या खास होने वाला है बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान में?
इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मैदान से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। दोस्तों, मैदान एक आगामी भारतीय हिंदी भाषी जीवनी पर आधारित फिल्म है, जो कि फुटबॉल 1952 से लेकर 62 के स्वर्ण युग पर आधारित है। और इसमें अजय देवगन ने मुख्य अभिनेता के रूप में फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रूप में नजर आएंगे। मैदान अमित शर्मा द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में अभिनेत्री प्रिया मणि मुख्य किरदार को निभाने वाली है। आइए जानते हैं इनके जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रहीम का जन्म 17 अगस्त 1909 को भारत के हैदराबाद में हुआ था। अपनी शुरुआती दिनों में उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया, और जहां से उन्होंने स्नातक भी किया और एक टीम 11 हंटर्स के लिए खेला, जो कि कॉलेज के वर्तमान और पूर्व के छात्रों से बनाया हुआ था। वही साल 1943 में रहीम को हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव के रूप में चुना गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह 1943 से लेकर 1963 तक हैदराबाद सिटी पुलिस के कोच भी बने थे। भारत के कोच के रूप में रहीम का पहला कदम 1949 में सिलोन दौरे पर जाने वाली टीम को प्रतीक्षित करना था। दो साल बाद भारत ने 1951 में अपने पहले एशियाई कप में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं अगर आगामी फिल्म मैदान की मुख्य अभिनेत्री प्रिया मणि की बात करें तो दोस्तों, खूबसूरत व बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री प्रिया मणि का जन्म बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। वह एक तमिल परिवार से बिलोंग करती है। उन्होंने अपने स्कूल के वर्षों के दौरान कांचीपुरम सिल्क, इरोड सिल्क और लक्ष्मी सिल्क के लिए मॉडलिंग भी किया था। वहीं बात अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड की करें तो उनके पिता वासुदेव मणि एक वृक्षारोपण व्यवसाय के मालिक है, और उनकी माँ पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी है, जिनका नाम लता मणि है, जो कि तिरुवनंतपुरम से बिलोंग करती है। अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रिया मणि ने प्रिंट विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग भी किया था। प्रिया मणि ने पत्राचार के माध्यम से मनोविज्ञान में कला स्नातक की डिग्री भी हासिल की थी, और आज प्रिया बेहद खूबसूरत व टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। बता दें कि प्रिया को कई अवार्डों से नवाजा भी गया है, जिसमें कि 2012 की फिल्म फेयर एक्ट्रेस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस कन्नड, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज फीमेल, जो कि उनके फिल्म द फैमिली मैन के लिए मिली थी, मुख्य रूप से शामिल है। इतना ही नहीं, प्रिया को 2020 के फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज फीमेल फॉर द फैमिली मैन के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। प्रिया इन दिनों जाने माने चेहरों में से एक बन चुकी है। फिलहाल वे अपनी आगामी फिल्म मैदान के लिए काफी चर्चे में है, जिसमें वह मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी। प्रिया के बाकी फिल्मों को देखकर और अजय देवगन के अब तक के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। वैसे इस बारे में आप क्या क्या कहना है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। होगी अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान और कौन है सैयद अब्दुल रहीम, कब होगी ये फिल्म रिलीज, इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे फिल्म मैदान के बारे में। दोस्तों, मैदान एक आगामी भारतीय हिंदी भाषी जीवनी पर आधारित फिल्म है, जो कि भारतीय फुटबॉल 1952 से 62 तक के स्वर्ण युग पर आधारित है। और इसमें अजय देवगन ने मुख्य किरदार को निभाते हुए फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रूप में नजर आएंगे। मैदान अमित शर्मा द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। अगर आप भी अजय के फैंस हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये फिल्म कब रिलीज होगी, तो आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित फिल्म मैदान दशहरा के मौके पर 15 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर के सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि फिल्म में अजय देवगन भारतीय फुटबॉल कोच रहीम के किरदार को निभा रहे हैं, तो आइए जानते हैं सैयद अब्दुल रहीम के बारे में कुछ अनकही बातें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रहीम का जन्म 17 अगस्त 1909 को भारत के हैदराबाद में हुआ था। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था, जहां से उन्होंने स्नातक किया और एक टीम 11 हंटर्स के लिए खेला, जो कॉलेज के वर्तमान और पूर्व के छात्रों से बनाया गया था। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा के बाद रहीम ने अपनी कला की डिग्री पूरी करने के लिए कॉलेज में वापसी की। इसके बाद उन्होंने काचीगुड्डा मिडिल स्कूल में और उर्दू शरीफ स्कूल में, दरुल उल उलम हाई स्कूल और चदरघाट हाई स्कूल में क्रमिक रूप से शिक्षक के रूप में काम किया। रहीम कुछ समय के लिए पेशेवर फुटबॉल थे क्योंकि उन्होंने कमर क्लब का प्रतिनिधित्व किया था, जिसे तब स्थानीय लीग में सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक मानी जाती थी। बता दें कि प्रबंधक बनने से पहले रहीम ने डच क्लब HSV होएक के लिए भी खेला था। 1943 में रहीम को हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव के रूप में चुना गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह 1943 से 63 तक हैदराबाद सिटी पुलिस के कोच भी बने थे। भारत के कोच के रूप में रहीम का पहला काम 1949 में सिलोन दौरे पर जाने वाली टीम को प्रशिक्षित करना था। दो साल बाद भारत ने 1951 में अपने पहले एशियाई कप में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। रहीम का कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम को बहुत सारी सफलताएं मिली थी। 1942 और 1962 में एशियाई खेलों को जीतने के अलावा भारत 1946 के मेलबोर्न ओलंपिक के सेमीफाइनल में भी पहुंचना, जिसे आज भी फुटबॉल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। वहीं रहीम की आखिरी सफलता 1962 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में हुई थी, जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और दक्षिण कोरिया को करीब 1,00,000 लोगों के बीच फाइनल्स में हराया था। बता दें कि ऐसा लोगों का मानना है कि वह वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और अब उनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म बन रही है, जिसका नाम है मैदान, जिसमें अजय देवगन उनकी भूमिका को निभा रहे हैं। और बता दें कि इस फिल्म के घोषणा होने के साथ ही फैंस और फुटबॉल की लगभग जितने भी फैंस है वो सारे काफी एक्साइटेड है और फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्त? आखिर कौन सी फिल्मों से प्रियामणी ने बॉलीवुड फिल्मों की शुरुआत की, किस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और कौन कर रहा है अजय की मां का किरदार इस फिल्म में? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म मैदान से रिलेटेड कुछ काफी रोचक बातें। एक ही आइटम नंबर से सुर्खियों में आने वाली अभिनेत्री प्रियामणी आपको फिल्म मैदान में एक माँ का रोल प्ले करती नजर आने वाली हैं। 1, 2, 3, 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी सुपरहिट फिल्म का ये सुपरहिट आइटम सॉन्ग, जिसे प्रियामणी ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और आते ही सबके दिलों को जीत लिया। प्रियामणी एक काफी पॉपुलर भारतीय अभिनेत्री और मॉडल भी हैं, जिन्होंने इवारे अतागदू, जो 2003 में आई थी, फिर 2007 में आई फिल्म पारुथी वीरन, यामाडोंगा, थिरक कथा 2008 जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। प्रिया वसुदामानी अय्यर उर्फ प्रियामणी की अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रूप में सफल रही हैं। इसके चलते उनके पास फेमस और अधिक फिल्मों के काफी ऑफर भी आए। 2012 में आई थी फिल्म अलोन पर आधारित मल्टीलिंगुअल फिल्म चारुलता में जुड़वा बच्चों के उनके इस किरदार को बहुत ही तारीफें मिली थी और फिल्म फेयर में तीसरा सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया था। इनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो ये यही खत्म नहीं होती। 2015 और 2016 में लगातार 2 साल तक बेस्ट सेलिब्रिटी जज के लिए एशिया विजन टेलीविजन अवार्ड भी जीता था इन्होंने। 2008 की मलयालम फिल्म थिरक कथा में मालविका के रूप में इनकी एक्टिंग के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। प्रियामणी को हाल ही में Amazon प्राइम वीडियो की वेब सीरीज फैमिली मैन में मनोज बाजपाई के साथ काम करते देखा गया था।
प्रियामनी की पसंदीदा चीजों की बात की जाए तो इन्हें आइसक्रीम, चिकन बिरयानी और चॉकलेट्स काफी पसंद है। वहीं खेल कूद में उनको क्रिकेट देखना और खेलना भी पसंद है। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी लेजेंडरी हवा हवाई यानी कि श्रीदेवी जी। वहीं एक्टर की बात की जाए तो प्रियामनी को कमल हसन काफी पसंद है। अब आपको बता दें 2021 में आ रही फिल्म मैदान में अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी प्रियामनी। देखते हैं इस फिल्म में क्या कमाल दिखाएंगी अभिनेत्री। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको प्रियामनी की सबसे जबरदस्त एक्टिंग किस फिल्म में लगी और क्यों, और साथ ही साथ आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें भी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की स्क्रिप्ट राइटर तो क्यों आखिर कीर्ति सुरेश को इस फिल्म से निकाल दिया गया? आखिर कौन सी हीरोइन लेगी अब कीर्ति की जगह? कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस अजय देवगन के साथ हमें इस फिल्म में देखने को मिलेंगे? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं निष्का त्यागी। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म मैदान से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और जबरदस्त बातें। तो दोस्तों, एक्शन कॉमेडी हीरो अजय देवगन की फिल्म मैदान जल्द ही अक्टूबर में हमें देखने को मिलेगी। ये फिल्म एक स्पोर्ट्स कोच की कहानी पर बेस्ड है। वहीं दोस्तों, इस फिल्म में आपको अजय देवगन के साथ प्रियामणि, गजराज राव, फिल्म जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं। पर दोस्तों, इस फिल्म में मदर का रोल पहले कीर्ति सुरेश को असाइन हुआ था, पर अब उन्हें इस प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस प्रियामणि को लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वही प्रियामणि जिनको आप फैमिली मैन वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी के साथ देख चुके हैं। दोस्तों, वही मैदान के साथ साथ जया ललिता की बायोपिक थलाइवी में शशिकला का किरदार करते भी नजर आने वाली है अभिनेत्री। आपको जान के हैरानी होगी कि कीर्ति ने इस फिल्म की वन डे शूटिंग कर ली थी, इसके बाद उनको इस फिल्म से हटा दिया गया। अब दोस्तों, आखिर पता नहीं है ऐसा भी क्या हो गया था कि साइन करने के बाद एक दिन शूट करवाते ही उन्हें फिल्म से निकाल प्रियामणि को इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म में कीर्ति को मदर के रोल के लिए साइन किया गया था और शूट के पहले ही दिन शूट देखने के बाद कीर्ति और डायरेक्टर को लगा कि इस रोल के लिए कीर्ति काफी यंग दिख रही है। और दोस्तों, डायरेक्टर को फिल्म में पूरी तरीके की ऑथेंटिसिटी रखनी थी, और सही भी है, ये कोई एकता कपूर का डेली सोप थोड़ी है जहाँ बच्चों के बच्चे हुए ही जा रहे हैं और माँ सबसे यंग और स्टनिंग लग रही है। तो दोस्तों, बता दो कि मेकर्स का ये भी कहना है कि फिल्म साइन करने के बाद कीर्ति ने काफी वेट लूज कर लिया था जिससे वो और ज्यादा यंग लग रही थी। और आपको बता दें कि कीर्ति अभी से 27 इयर्स की हैं और वहीं प्रियामणि 35 इयर्स की हैं और उनका लुक पोस्टर कीर्ति के मुकाबले थोड़ा मैच्योर है। तो यही देखते हुए डायरेक्टर ने कीर्ति की जगह प्रियामणि को इस रोल के लिए साइन किया। दोस्तों, अब देखना यह है कि स्पोर्ट्स की होड़ लगी फिल्मों में अब अजय की मैदान क्या नया कमाल दिखाएगी। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आपको इस फिल्म में प्रियामणि की कास्टिंग कैसी लगी, और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे है इंडिया का द स्लीपिंग जायंट। क्या है सईद अब्दुल रहीम की स्टोरी? किस किस अवार्ड से रहीम को सम्मानित किया गया है? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की आने वाली फिल्म मैदान हिंदी, तेलुगु और मलयालम में रिलीज की जाएगी। फिल्म की रियल स्टोरी द स्लीपिंग जायंट यानी सईद अब्दुल रहीम की बात करें तो इनका जन्म 17 अगस्त 1999 में हैदराबाद में हुआ था। प्रोफेशन से ये एक फुटबॉल कोच और टीचर हुआ करते थे। 11 जून 1963 में कैंसर की वजह से सईद अब्दुल रहीम हमारे साथ नहीं रहे। वहीं इतने महान फुटबॉल कोच की फेवरेट टीम हंगरी और रॉबर्ट एंड्री की ये प्लेयर बहुत पसंद थे। अपने बचपन से फुटबॉल के शौकीन रहीम बचपन से ही फुटबॉल स्किल्स में काफी माहिर थे। मानो धरती पे जन्म इन्होंने फुटबॉल के लिए ही लिया हो। और इनका हुनर बस फुटबॉल तक ही नहीं था, रहीम एथलेटिक्स में भी काफी अच्छे थे। 1920 के मिड में हैदराबाद में फुटबॉल कल्चर आया जिसके नए यंगस्टर्स के साथ साथ रहीम को भी इस खेल ने अपनी तरफ आकर्षित किया। इसके कुछ समय बाद रहीम ने उस्मानी यूनिवर्सिटी के फुटबॉल टीम में हिस्सा ले लिया। बड़े होकर एक स्कूल टीचर बनने के बाद रहीम से फुटबॉल के प्रति उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। इसके चलते 1920 से अर्लियर 1940 तक हैदराबाद के ग्रेटेस्ट प्लेयर में इनकी गिनती की जाने लगी।
कमान क्लब अपने समय की सबसे बेहतरीन लोकल लीग टीम में से एक थी जिसमें रहीम खेला करते थे। रहीम में एक तरह का टैलेंट था, एक जीनियस कोच जो अपना वक्त और एबिलिटी रॉ टैलेंट को खोज उसको एक ब्रिलियंट प्लेयर में बदलने का हुनर रखते थे। ऐसा ही कुछ आपको अजय देवगन भी करते नजर आएंगे। उनके स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और टेक्निक्स, मोटिवेशन, स्पीचेस ने हैदराबाद फुटबॉल टीम का एटीट्यूड और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर दिया। इंडियन फुटबॉल की दुनिया में एक अनोखा नाम कायम था। रहीम को कभी इसका हक नहीं मिला। उनके जाने के बाद आई लीग में एक ट्रॉफी और अवार्ड सईद अब्दुल रहीम बेस्ट कोच अवार्ड उनके नाम किया गया और शायद इसी सब के चलते उन्हें रहीम साहब द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन फुटबॉल, द स्टान क्यूलेस ऑफ इंडिया, द इंडियन फर्ग्यूसन जैसे नामों से बुलाया जाता था। अब ऐसे जबरदस्त कोच का किरदार अजय देवगन कितने हद तक निभा पाते हैं ये हमें आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सईद अब्दुल रहीम के इस महान किरदार के लिए अजय देवगन कैसे लगे और क्यों, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। क्या है आखिर अजय देवगन का ड्रीम रोल? क्या बॉलीवुड सिनेमा में अब कंटेंट के नाम पर स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में ही रह गई हैं बनाने को? क्या ये आने वाली फिल्म किसी के बायोपिक पर बेस्ड है? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। जहां 2020 और 2021 कोरोना वायरस को लेके सुर्खियों में रहा है, वहीं बॉलीवुड भी अपनी स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज को लेके सुर्खियों में है। जी हां, बात पिछले साल की करें तो कंगना की पंगा ने काफी धूम मचाई थी, जिन्हें दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। वहीं इस साल भी काफी स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म की होड़ लग गई है। फरहान की तूफान, विजय देवरकोंडा की लाइगर, शाहिद की जर्सी, परिणीति की साइना और रणवीर सिंह की 83। अब या तो हमारे देश में स्पोर्ट्स और उनकी कहानियां बहुत है, या तो डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास कोई और कंटेंट बचा नहीं है फिल्म बनाने के लिए। अब चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो या रिसेंटली आई फिल्म साइना ही क्यों ना हो। वहीं जहां सब डायरेक्टर एक के बाद एक स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म लेकर आ रहे हैं, वहीं अमित रविंद्रनाथ शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म मैदान से अपने दर्शकों को कुछ नया और इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। इस फिल्म को पहले 13 अगस्त को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इस फिल्म को अक्टूबर में 15 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में अजय देवगन के अलावा प्रियामणि गजराज रॉय और रुद्र नील घोष भी नजर आएंगे। इस फिल्म के अलावा अजय देवगन के पास कई फिल्में हैं, जिसमें भूज, द प्राइड ऑफ इंडिया, RRR, मैड। फिल्म मैदान एक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम कोच और मैनेजर सईद अब्दुल रहीम की स्टोरी से इंस्पायर्ड होके बनाई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन का ड्रीम रोल था कि वो एक फुटबॉल कोच का रोल प्ले करे कभी ना कभी अपनी किसी फिल्म में, और लीजिए वो मौका अजय देवगन की लाइफ में आ गया। वहीं इस फिल्म में दो यूथ को नागालैंड से बुलाया गया है, मजीजोतो टेत्सो और मिसीवी कहिया। दोनों ही एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है और इस फिल्म में वो अजय देवगन के साथ नजर आएंगे। तब तक के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस फिल्म की कास्टिंग कैसी लगी, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। जानिए कौन है निर्देशक अमित शर्मा, प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक का ऑफर क्यों टुकरा दिया था उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राड स्टूडियोज में। अमित रविंद्रनाथ शर्मा एक भारतीय निर्देशक और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविजन विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। आइए आज हम आपको उनके फिल्म करियर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। अमित शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता भारत सरकार के लिए काम करते थे। जब वे स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त वह फिल्म निर्देशक प्रदीप सरकार से जुड़े और
जिन्होंने उन्हें मनाली में एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। 2001 में मुंबई शिफ्ट होने से पहले और अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 6 सालों तक प्रदीप सरकार के साथ काम किया। 2 साल बाद उन्होंने प्रदीप का साथ छोड़ दिया था और 2004 में उन्होंने आलिया सेन और हेमंत भंडारी के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी क्रोम पिक्चर्स की स्थापना की। उसी साल बाद उन्हें प्रदीप की एक फिल्म परिणीता में एक असिस्टेंट की भूमिका ऑफर हुई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। साल 2005 से लेकर 2015 के बीच अमित ने 900 से अधिक विज्ञापनों का निर्देशक किया है, जिनमें गूगल, कोका कोला और अमेज़न जैसे कई ब्रांड भी शामिल है। 2011 में उन्होंने द साइलेंट नेशनल एंथम नामक एक विज्ञापन का निर्देशन किया था, जिसमें मूक और बधिर लोग साइन लैंग्वेज के माध्यम से जनगण मन का गायन करते दिखाई दे रहे थे। इसके लिए उन्हें कान्स लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में एक सिल्वर अवार्ड भी मिला। 2013 में आए लाइफ बॉय के एक विज्ञापन में भारतीय गांवों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसके लिए उन्हें पाइप आशीय अवार्ड में गोल्ड मिला। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके द्वारा निर्देशित गूगल रीयूनियन का विज्ञापन सबसे मशहूर रहा। 2013 में आए इस विज्ञापन में अदेड उर्म के दो आदमियों के रीयूनियन की एक काल्पनिक कहानी थी, जहां एक भारत से था तो दूसरा पाकिस्तान से। दोनों के बचपन ही दोस्त थे, पर बंटवारे के बाद अलग हो गए। इस विज्ञापन का दोनों देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसने लोगों में उम्मीद जताई थी कि अब ट्रैवलिंग पर लगी रोक शायद कुछ कम हो सके। टेलीविजन पर आने से पहले ही यूट्यूब पर इस एड ने 1.6 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे। इस दौरान उनके काम को द इकोनॉमिक टाइम्स ने भारतीय विज्ञापन की समकालीन सबसे बड़ी हिट के रूप में वर्णित किया था। साल 2014 में अमित को निर्माता बोनी कपूर द्वारा फिल्म सेवर के निर्देशन के लिए आमंत्रित किया गया था, और हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यू ज्यादा मिले। उसके बाद 2016 में उन्हें कान्स लायंस क्राफ्ट की जूरी में चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म बदाय हो के निर्देशन पर काम शुरू कर दिया, जिसकी शूटिंग 2017 में शुरू हो गई थी। निर्देशन के अलावा उन्होंने इसे जंगली पिक्चर्स के साथ मिलकर अपने पिक्चर्स बैनर क्रोम पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि फिलहाल अमित पूर्व फुटबॉल कोच सायद अब्दुल रहीम के जीवन और करियर पर आधारित फिल्म मैदान की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। फिल्म इसी साल 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर किस अभिनेत्री को कहा जाता है पावर हाउस परफॉर्मेंस, और क्या है इस अभिनेत्री का एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ रिश्ता, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट अभिलाषा दुबे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, फैंस द्वारा पावर हाउस परफॉर्मेंस का खिताब पा चुकी प्रिया मणि आज सिर्फ तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ ही नहीं बल्कि हिंदी भाषाओं में भी फिल्में करने लगी हैं। दोस्तों, अभिनेत्री प्रिया मणि आजकल सबकी चहेती बन चुकी है और इस वक्त वे काफी चर्चे में है अपने आगामी फिल्म मैदान को लेकर, जो कि इसी वर्ष रिलीज होने वाली है। आइए जानते हैं अभिनेत्री प्रिया मणि की जिंदगी से जुड़े कुछ बातों को। दोस्तों, 4 जून 1986 को बैंगलोर के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी अभिनेत्री प्रिया मणि का पूरा नाम प्रिया वासुदेव मणि अय्यर है और उनके पिता वासुदेव मणि एक प्लांटेशन का बिजनेस करते हैं। वहीं उनकी माता लता मणि नेशनल लेवल पर एक बैडमिंटन खिलाड़ी और एक मैनेजर भी रह चुकी है। दोस्तों, अभिनेत्री प्रिया अपने स्कूली दिनों में काफी सारे स्पोर्ट्स में भाग भी लेती थी और उन दिनों वह कांचीपुरम सिल्क, लक्ष्मी सिल्क और ईरोड सिल्क में भी मॉडलिंग किया करती थी। और जब अभिनेत्री 12वीं कक्षा में गई तो तमिल के एक निदेशक भारती राजा ने उनका परिचय फिल्म इंडस्ट्री से करवाया। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री प्रिया मणि अभिनेत्री विद्या बालन की कजिन सिस्टर भी है। दोस्तों, अभिनेत्री प्रिया ने अपनी फिल्मी करियर इवाड़े अथमाड़ू नामक एक फिल्म से शुरू की और मलयालम में उनकी करियर सत्यम नामक एक फिल्म से शुरू हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमिल फिल्म आधा ओडू काना कल्लम से शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने तमिल,
तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में कई फिल्में की, जिसके बाद उन्हें निर्देशक मणिरत्नम ने अपने हिंदी व तमिल फिल्म रावण के लिए साइन किया था। इसके बाद निर्देशक व निर्माता रामगोपाल वर्मा ने भी उन्हें रक्त चित्र फिल्म के लिए चुना था। वैसे आपको बता दें कि अभिनेत्री प्रिया मणि ने शाहरुख खान स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस में एक आइटम सॉन्ग भी किया था और ये आइटम सॉन्ग काफी बड़ी हिट भी रही थी। वैसे इसके अलावा प्रिया मणि अब अमेज़न प्राइम वीडियो में वेब सीरीज भी बना चुकी है, जिसमें लीड एक्टर मनोज बाजपेयी रहे थे और इस वेब सीरीज का नाम द फैमिली मैन है। अभिनेत्री प्रिया मणि को कई सारे नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है और 23 अगस्त 2017 को उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मुस्तफा राज से शादी कर लिया था। दोस्तों प्रिया मणि को उनके फैंस पावर हाउस परफॉर्मर का नाम दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रिया मणि किसी भी तरह के रोल में फिट आ सकती है या वो किसी भी तरह के रोल को अदा कर सकती है। फिलहाल उनके आने वाले पिक्चर मैदान के लिए हमारे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जो कि आगामी 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा क्या हुआ जो उठाना पड़ा इस फिल्म को भारी नुकसान? क्यों डूब गए निर्माताओं के 7 करोड़? जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहाँ आपको देखने को मिलती है बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ इंडियन फिल्मों के साथ वेब सीरीज के बारे में अपडेट्स, फैक्ट्स और मनोरंजक ट्रिविया। फिल्म मैदान की काफी शूटिंग मार्च 2020 के पहले पूरी हो चुकी थी। अजय देवगन और फिल्म का पूरा क्रू अपनी फिल्म की आगे की शूटिंग के लिए रेडी थे, पर पूरी दुनिया भर में फैली महामारी की मार इस फिल्म को भी झेलनी पड़ी। निर्माताओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजय देवगन की फिल्म मैदान के क्लाइमेक्स की शूट के लिए पूरे स्टेडियम के सेट का निर्माण किया गया था। ये स्टेडियम का सेट मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन एरिया में क्रिएट किया गया था। इसकी बताई गई लागत करीब करीब 7 करोड़ थी। इस सेट को बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं ने दर्जनों एकड़ जमीन 2 महीने के लिए किराए पर ली थी, पर इस कोरोना महामारी के कारण शूट को कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने अपने एक आधिकारिक बयान में भी बताया कि अमिताभ शर्मा, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये सीक्वेंस लास्ट में शेड्यूल किया था, जो कि फिल्म में कई फुटबॉल मैच को जोड़ने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट था। इस सेट को टॉयलेट, मेकअप रूम्स और पीसीआर यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम का सहारा लेकर काया पलट कर स्टेडियम बनाया था। निर्माता और निर्देशक को आशा थी कि लॉकडाउन जल्द ही खुल जाएगा, पर लॉकडाउन भी कोरोना वायरस की तरह निकला, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस सेट को यूज नहीं होने पर निर्माताओं को काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। बाद में जाकर बारिश होने की वजह से ये पूरी तरह से खराब हो गया। बाद में फिर से सेट को रिक्रिएट करना पड़ा, जिसके लिए फिर से एक बड़ा खर्चा हो गया। इस शेड्यूल में फॉरेन एक्ट्रेस की भी जरूरत थी, पर उनके देशों में भी अलग अलग नियमों की वजह से शूट काफी लंबा खिंच गया। फिल्म के बारे में और बात करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के बारे में बताया था कि फिल्म में खिलाड़ियों का रोल प्ले करने वाले सारे प्लेयर्स नए हैं, इन्हें पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग दी गई है और अब ये एक अच्छे फुटबॉलर बन गए हैं। हमें इस फिल्म के कई सीन कोलकाता में भी शूट करवाने थे, क्योंकि कोलकाता फुटबॉल का हब है और इस शहर की फुटबॉल से जुड़ी हिस्ट्री भी रही है, पर एन वक्त पर सब शूट कैंसिल करवाने पड़े। मैदान को बधाई हो। फिल्म डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉनी कपूर, आकाश चावला, अरुणवर राय, सैन गुप्ता। प्रोडक्शन हाउस के बैनर में है जी स्टूडियो। फिल्म के बारे में और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को और पाते रहिए फिल्मी दुनिया के फ्यूचर अपडेट्स। शुक्रिया। क्या अजय देवगन की मैदान में शामिल होंगे दुनिया भर के फुटबॉल खिलाड़ी? क्या होने वाली है मैदान की खास बातें? कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग आखिरी चरण में है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक ने बताया कि इस फिल्म में दुनिया भर से फुटबॉल खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं और जल्दी ही अलग अलग टीमों की शूटिंग भी होने वाली है। अमित शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। वो क्वारंटीन पर थे, लेकिन अब वो कोरोना नेगेटिव हो चुके और वापस लौट चुके। शूट शुरू भी हो चुका है। मैदान के लिए फुटबॉल मैच के सीरीज शॉट किए जाएंगे, जहां भारत को अन्य देशों के साथ फुटबॉल मैच खेलते दिखाया जाएगा। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए निर्देशक ने कहा, थाईलैंड से खिलाड़ी भारत पहुंच चुके हैं, वो मेरे कोरोना नेगेटिव होने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हम उनके मैच के साथ शूटिंग शुरू करेंगे और फिर कुछ दिनों की ब्रेक लेकर सभी दूसरे देशों के साथ मैच की शूटिंग करेंगे। ये एक टाइट शेड्यूल होने वाला है। मार्च से ही इस हिस्से की शूटिंग होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से टल गई। निर्देशक ने कहा, हम एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर
सभी भारतीयों को गर्व होगा। मैदान 15 अक्टूबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज होने वाली है। आपको बता दें फिल्म की लगभग एक महीने की शूटिंग अभी बची है। निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि लगभग एक महीने की शूटिंग बाकी है, लेकिन ये मई अंत तक जाएगी क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए होगा ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सके। वहीं अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार करने वाले हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने दिल खोल कर तारीफ की और कहा अजय सर ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को जरूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी, मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार हैं। वहीं फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण काल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया। बोनी कपूर ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है मैं बहुत खुश हूँ, अमित शर्मा ने शानदार काम किया है और वाकई दोस्तों तहलका मचाने को तैयार है और इसे अगस्त के महीने में रिलीज किया जाना है। इसी साल RRR के साथ इसका क्लैश हो सकता है। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं मैदान का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे जानिए कौन है निर्देशक अमित शर्मा, प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक का ऑफर क्यों ठुकरा दिया था उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। अमित रविंद्रनाथ शर्मा एक भारतीय निर्देशक और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविजन विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। आइए आज हम आपको उनके फिल्म करियर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। अमित शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता भारत सरकार के लिए काम करते थे। 2001 में मुंबई शिफ्ट होने से पहले और अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 6 सालों तक प्रदीप सरकार के साथ काम किया। 2 साल बाद उन्होंने प्रदीप का साथ छोड़ दिया था और 2004 में उन्होंने आलिया सेन और हेमंत भंडारी के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी क्रोम पिक्चर्स की स्थापना की। उसी साल बाद उन्हें प्रदीप की एक फिल्म परिणीता में एक असिस्टेंट की भूमिका ऑफर हुई जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। साल 2014 में अमित को निर्माता बोनी कपूर द्वारा फिल्म तेवर के निर्देशन के लिए आमंत्रित किया गया था और हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यू ज्यादा मिले। इसके बाद उन्होंने फिल्म बदाए हो के निर्देशन पर काम शुरू कर दिया जिसकी शूटिंग 2017 में शुरू हो गई थी। निर्देशन के अलावा उन्होंने इसे जंगली पिक्चर्स के साथ मिलकर अपने पिक्चर्स बैनर क्रोम पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस भी किया था। आपको बता दें कि फिलहाल अमित पूर्व फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के जीवन और करियर पर आधारित फिल्म मैदान की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। फिल्म इसी साल 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है शुरू ही अजय देवगन की मैदान की शूटिंग क्या होने वाली है, मैदान की खास बातें, कब ये रिलीज होगी और किससे क्लैश होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जोयाल। बॉलीवुड में एक बार फिर से कोरोना का कहर काफी तेज हो चुका है। एक के बाद एक कई कलाकार कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हाल ही में अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान के निर्देशक अमित शर्मा को कोरोना हो गया था जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई, वो क्वारंटीन हो गए और अब वो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। आपको बता दें फिल्म की लगभग एक महीने की शूटिंग बची है। निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि लगभग एक महीने की शूटिंग बाकी है, लेकिन ये मई तक जो एंड होगा तब तक हो पाएगी क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सकता है। और वहीं फिल्म से जुड़ी एक सूत्र ने बताया कि अमित हाल ही में कोरोना नेगेटिव हुए हैं, वो अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और जल्दी ही
शूटिंग में वापस लौटेंगे। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है, जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। वहीं बोनी कपूर ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अमित शर्मा ने शानदार काम किया है, ये उनकी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शामिल होगी। ये एक ऐसी रियल घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। वहीं अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने खोल कर तारीफ की, दिल खोल दिया उन्होंने और कहा कि अजय सर ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को जरूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी और मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार हैं। वहीं आपको बता दें ये फिल्म 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है। इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज किया जाना है। फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण काल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया। वहीं सैयद पेशे से एक टीचर थे, उनमें लोगों को प्रोत्साहित करने की बड़ी खूबी थी, इसी का फायदा उन्हें मिला और 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच रखा गया। उनके आने के बाद हैदराबाद टीम ने कई बार कप भी जीता और कई बार फाइनल में भी पहुंची। कैंसर होने के बाद भी देश और खेल के प्रति उन्होंने अपना जोश हमेशा कायम रखा और 1962 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपनी टीम का गठन किया। भारतीय टीम ने सैयद के नेतृत्व में खुद को फाइनल तक पहुंचाया भी। तो दोस्तों फाइनली मैदान बनकर रिलीज होगी। आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रास स्टूडियोज में, जहां आज हम जानेंगे भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में। भारत में हर खेल को बड़े ही उत्साह से देखा और खेला जाता है। खासकर क्रिकेट को तो मानिए कि धर्म माना जाता है, वहीं फुटबॉल भी एक बहुत बड़ा खेल माना जाता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स में जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक आइकॉन माना जाता है, वहीं भारत में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी खूब प्रशंसा होती है। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। तो पहला नंबर आता है भाईचुंग भूटिया। भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में लोकप्रिय भाईचुंग भूटिया फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक जाना माना नाम है। इन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को मनाकर तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सम्मान दिखाया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए 82 मैचों में 41 गोल किए हैं, जो कि निश्चित रूप से ही एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है, जो इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों के रूप में चुने जाने के विकल्प में स्थापित करता है। दूसरा, संध्या झिंगन। संध्या झिंगन भारत के लिए एक रक्षक की तरह है, जो फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक घरेलू नाम है। 2014 में इन्होंने राइजिंग प्लेयर का पुरस्कार जीता। 2015 में भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत की। वो 2017 में एक नए सौदे पर हस्ताक्षर करके सुपर लीग के लिए सबसे अधिक भुगतान करने वाला डिफेंडर बने। हालांकि 2020 में उन्होंने ये क्लब छोड़ दिया। कई मौकों पर उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। तीसरा, सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान सुनील छेत्री निश्चित रूप से भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में होने के योग्य हैं। छेत्री को 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। सुनील छेत्री की बेहतर कप्तानी की बदौलत भारत ने साल 2008 में 27 साल में पहला एशियाई कप जीता। उन्हें बेशक ही सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर कहा जा सकता है, क्योंकि वो सक्रिय फुटबॉलर हैं जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरा सर्वोच्च गोल किया है। नेक्स्ट, गुरप्रीत सिंह संधू। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का नाम लेते हुए गुरप्रीत सिंह संधू का नाम ना आए तो गलत होगा। पूर्वी बंगाल और बेंगलुरु के लिए 28 वर्षीय गोलकीपर फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 साल तक पूर्वी बंगाल के लिए गोलकीपिंग के दौरान ख्याति अर्जित की। इस दौरान उनको 2011 में अंतर्राष्ट्रीय कॉलअप में डेब्यू करने का अवसर भी मिला। नेक्स्ट, जीजे लाल पेखलुआ।
जीजे एक अन्य प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर हैं जो चेन्नईयन और भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम दोनों में ही खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत से ही दूसरे सबसे बड़े भारतीय गोलकीपर होने के नाते उन्होंने लाइमलाइट और सफलता हासिल की। फुटबॉलर के परिवार से आने के कारण उनकी रुचि हमेशा से ही इस खेल में थी। 2015 में उनके करियर ने उड़ान भरी जब उन्होंने मोहन बागान और इंडियन सुपर लीग में चेन्नईयन के साथ आई लीग जीती। उन्होंने भारत की 2011 SAFF कप चैंपियनशिप जीत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 SAFF कप में 3 महत्वपूर्ण गोल किए। लोकप्रियता के साथ अपने करियर में वो आगे निकल गए और कुछ ही समय में एक युवा आइकॉन बन गए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है। क्या अजय देवगन की फिल्म मैदान होगी उनके करियर की बेस्ट फिल्म? इस बारे में निर्माताओं ने क्या कहा, क्या होने वाली है अजय देवगन की फिल्म की खास बातें और कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक मैदान की शूटिंग जारी है। इस फिल्म को 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाना है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने मैदान पर खुलकर बात की और कहा कि यह अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल होगी। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में निर्माता बोनी कपूर ने कहा, लगभग 1 महीने की शूटिंग बाकी है लेकिन ये मई अंत तक जाएगी क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए होगा ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सके। वहीं निर्माता ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है मैं बहुत खुश हूँ। अमित शर्मा ने शानदार काम किया है, ये उनकी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। ये एक ऐसी रियल घटना है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। मैदान पर बात करते हुए निर्देशक अमित शर्मा ने कहा कि इस फिल्म के लिए हमें एक ऐसे फुटबॉलर्स की ज़रूरत थी जो अभिनय भी कर सके, ना कि ऐसे एक्टर जो फुटबॉल खेलने का नाटक कर सके। मुझे लगता है जो मैंने चाहा था मुझे वैसे ही खिलाड़ी मिले। वहीं अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने दिल खोल कर तारीफ की अजय सर के बारे में। उन्होंने कहा कि अजय ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को ज़रूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी। मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार है। बिल्कुल सही बात कही, अजय देवगन जो भी फिल्म करते हैं उसमें अपना 101% देते हैं, इसीलिए उभर कर आती है। आपको बता दें इस फिल्म में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में दिखेंगे। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम में रिलीज होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बधाई हो जैसी फिल्म के निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा। तो बेहतरीन जुगलबंदी इसमें देखने को मिलेगी। कमाल के एक्टर हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं। फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्णकाल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया था। वहीं सैयद पेशे से एक टीचर थे, उनमें लोगों को प्रोत्साहित करने की खूबी थी। इसी का फ़ायदा उन्हें मिला और 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच रखा गया। उनके आने के बाद हैदराबाद टीम ने कई कप जीते, कई बार फाइनल में भी पहुंची। कैंसर होने के बाद भी देश और खेल के प्रति उन्होंने अपना जोश हमेशा कायम रखा। 1962 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपनी टीम का गठन किया। भारतीय टीम ने सैयद के नेतृत्व में खुद को फाइनल तक भी। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय देवगन की मैदान का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियो। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई के पेपर व्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद इंडस्ट्री में इस बात के कयास तेज हो गए थे कि मौजूदा हालात में क्या दूसरे प्रोड्यूसर्स भी अपनी फिल्मों को लेकर इसी मॉडल को अपनाएंगे। अजय देवगन की फिल्म मैदान को लेकर भी इस तरह की चर्चा शुरू हो चुकी है। फिल्म पेपर व्यू के आधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा सकती है, मगर अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने एक स्टेटमेंट जारी करके इन बातों का खंडन किया है।
आपको बता दें कि मैदान एक स्पोर्ट्स बायोपिक फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर हैं बोनी कपूर। प्रोड्यूसर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें कहा गया है, मैदान को पे पर व्यू के आधार पर रिलीज करने के लिए फिलहाल किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बातचीत नहीं चल रही है। फिलहाल हमारा ध्यान सभी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फिल्म को पूरा करने और गवर्नमेंट द्वारा दी गई प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का फॉलो करना है। अमित शर्मा के डायरेक्शन में बन रही मैदान फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक है। अजय देवगन की ये पहली स्पोर्ट्स फिल्म है। मैदान की कहानी 1952 से लेकर 62 के बीच इंडियन फुटबॉल के सुनहरे दौर में सेट की गई है। फिल्म के को प्रोड्यूसर स्टूडियो भी शामिल है जो सलमान खान की फिल्म जिसने राधे को भी रिलीज किया था। इसीलिए राधे की जी प्लेक्स पे पर व्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद मैदान को लेकर चर्चा छिड़ गई। वैसे अभी तक अनाउंसमेंट के अनुसार मैदान 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म में प्रिया मणि फीमेल लीड में है जो मनोज बाजपेयी के साथ दी फैमिली मैन वेब सीरीज में नजर आई थी। इस कैरेक्टर के लिए पहले कीर्ति सुरेश को कास्ट किया गया था। वेल दोस्तों, आप क्या चाहते हैं कि फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर? क्योंकि देखा जाए तो ये टोटली मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जहां हमें कई मैचेस देखने को मिलेंगे फुटबॉल के, और मेरे ख्याल से तो ऐसी चीजें हमें बड़े स्क्रीन पर देखना ज्यादा मजा आएगा। वेल आपको क्या लगता है कि OTT और बिग स्क्रीन? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीवुड। देवगन की मैदान RRR से टकरा सकती है क्या? मैदान को अब डिजिटली रिलीज कर देंगे मेकर्स? क्या होने वाली मैदान की खास बातें? और ताऊते तूफान ने क्या मैदान के सेट पर मचाई तबाही? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जैल। दोस्तों, सलमान खान की फिल्म राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई के पे पर व्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद इंडस्ट्री में इस बात के कयास तेजी से लगाए जा रहे हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए दूसरे मेकर्स भी यही मॉडल अपनाने वाले हैं। वहीं अजय देवगन की फिल्म मैदान को लेकर भी इस तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। फिल्म पे पर व्यू के आधार पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जा सकती है, मगर अब फिल्म के निर्माताओं ने एक स्टेटमेंट दी है और इन खबरों का खंडन भी किया है। मैदान एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण बोनी कपूर, आकाश चावला और अरुणाव जॉयश सेन गुप्ता ने किया है। वहीं मेकर्स ने गुरुवार को एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें कहा गया कि मैदान को पे पर व्यू के आधार पर रिलीज करने के लिए फिलहाल किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से बातचीत नहीं चल रही है। फिलहाल हमारा ध्यान सभी की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए फिल्म को पूरा करने और सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने की ओर है। आपको बता दें, अमिताभ शर्मा के निर्देशन में बन रही मैदान फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के बायोपिक है। अजय देवगन की ये फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है। मैदान की कहानी 1952 से 62 के बीच भारतीय फुटबॉल के सुनहरे दौर में सेट की गई है। फिल्म के सह निर्माताओं में जी स्टूडियोज भी शामिल है जो सलमान की फिल्म राधे के निर्माण से भी जुड़ा था। इसीलिए राधे की जी प्लेक्स पर पे पर व्यू के आधार पर रिलीज होने के बाद मैदान को लेकर भी इस तरह की चर्चा छिड़ गई थी। वैसे अभी तक कोई भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिलीज की बात करें तो 15 अक्टूबर को इसे रिलीज किया जाना है थिएटर्स में। वहीं RRR को भी थिएटर्स में इसी दौरान रिलीज किया जाना है। ऐसे में मैदान के मेकर्स भी बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे RRR के जो डायरेक्टर है SS राजामौली उनसे, क्योंकि राजामौली ने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया इस बारे में और रिलीज डेट अनाउंस कर दी, जबकि इससे पहले ही मैदान के मेकर्स रिलीज डेट को अनाउंस कर चुके थे। वहीं दोस्तों, अभी आपको बता दें, मुंबई में ताऊते तूफान चल रहा है जिस वजह से बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है। बहुत सारे फिल्मों के सेट को नुकसान पहुंचा है और इस लिस्ट में मैदान का नाम भी शामिल हो चुका है और भारी नुकसान पहुंचा है मैदान के सेट को। फिलहाल अब देखना होगा कि कोविड सिचुएशन कब अंडर कंट्रोल होंगी और सारी फिल्में एक बार फिर से पटरी पर दौड़ेंगी और रिलीज होंगी। आपको कितना इंतजार है अजय देवगन की मैदान का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को। कौन सी फिल्में देंगी इस साल एक दूसरे को टक्कर? क्या मैदान फिल्म के सामने SS राजमौली की पैन इंडिया प्रोजेक्ट RRR टिक पाएगी? कौन सी फिल्मों का हिस्सा होने वाले हैं अजय देवगन? नमस्कार, बॉलीवुड स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। अजय देवगन इस साल कई दमदार फिल्मों का हिस्सा होने वाले हैं। आने वाले 15 अक्टूबर को जहां अजय देवगन की फिल्म मैदान रिलीज होगी, वहीं दूसरी तरफ इस साल
अजय, गोलमाल 5, सिंघम 3, मेडे और पहली बार वेब सीरीज रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस में लीड रोल करते नजर आने वाले हैं। तो अजय इस साल अपने फैंस को एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा से भरी इन सब फिल्मों से चौंकाने के लिए हैं तैयार। वहीं दूसरी तरफ आने वाली फिल्म मैदान एसएस राजमौली की पैन इंडिया प्रोजेक्ट आरआरआर के साथ दोनों फिल्में आमने सामने टक्कर देती दिखेंगी। वहीं आपको बता दें, आने वाले साल कई दमदार फिल्में आपको देखने को मिलने वाली है और इन्हीं दमदार फिल्मों का होने वाला है दूसरी कई जबरदस्त फिल्मों के साथ टक्कर। जी हां, आने वाली बहुत सी फिल्मों का क्लैश हो रहा है। चलिए देखते हैं कौन सी फिल्में टकराएंगी एक दूसरे के सामने। बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी शाहिद कपूर की अगली स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म जर्सी और बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की एक्शन फिल्म धाकड़ दोनों ही दिवाली के समय रिलीज की जा रही है इस साल। अब देखना होगा कि इसमें कौन सी फिल्म मचाती है धमाल। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की यंग एक्ट्रेस आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई कैथीवाड़ा की बात करें तो इस फिल्म का क्लैश होने वाला है बाहुबली प्रभास की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम, जो कि 30 जुलाई को हमें देखने को मिल सकती है। जी हां, दोनों ही फिल्में काफी दमदार हैं। ऐसे में जहां आलिया की फिल्म लगातार सुपर हिट गई है, चाहे वो गली बॉय हो, हाईवे हो या राजी, सब फिल्मों में आलिया ने जबरदस्त एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। वहीं प्रभास की सुपर डुपर हिट फिल्म रही बाहुबली, जिसे आज तक कोई नहीं भूल पाया है। ऐसे में जब ये दोनों दमदार कलाकार की फिल्में आमने सामने टकराएंगी तो देखना काफी मजेदार होगा कि कौन सी फिल्म कमाल दिखाती है। तो आने वाली इन सब फिल्मों में कौन किसके छक्के छुड़ाता है, ये देखने में काफी मजा आने वाला है। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, अजय की मैदान और आरआरआर में से कौन सी फिल्म मचा सकती है ज्यादा हंगामा बॉक्स ऑफिस पर। आखिर कौन सी फिल्मों से प्रियामणि ने बॉलीवुड फिल्मों की शुरुआत की, किस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और कौन कर रहा है अजय की माँ का किरदार इस फिल्म में? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म मैदान से रिलेटेड कुछ काफ़ी रोचक बातें। एक ही आइटम नंबर से सुर्खियों में आने वाली अभिनेत्री प्रियामणि आपको फिल्म मैदान में एक माँ का रोल प्ले करती नजर आने वाली हैं। 1, 2, 3, 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी सुपरहिट फिल्म का ये सुपरहिट आइटम सॉन्ग, जिसे प्रियामणि ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और आते ही सबके दिलों को जीत लिया। प्रियामणि एक काफ़ी पॉपुलर भारतीय अभिनेत्री और मॉडल भी हैं, जिन्होंने इवारे अतागदू, जो 2003 में आई थी, फिर 2007 में आई फिल्म पारुथी वीरन, यामाडोंगा, थिरक कथा 2008 जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की। प्रिया वसुदामानी अय्यर उर्फ प्रियामणि की अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रूप में सफल रही हैं, इसके चलते उनके पास फेमस और अधिक फिल्मों के काफ़ी ऑफर भी आए। 2012 में आई थी फिल्म अलोन पर आधारित मल्टीलिंगुअल फिल्म चारुलता में जुड़वा बच्चों के उनके इस किरदार को बहुत ही तारीफें मिली थी और फिल्म फेयर में तीसरा सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया था। इनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो ये यही ख़त्म नहीं होती। 2015 और 2016 में लगातार 2 साल तक बेस्ट सेलिब्रिटी जज के लिए एशिया विजन टेलीविजन अवार्ड भी जीता था इन्होंने। 2008 की मलयालम फिल्म तिरक कथा में मालविका के रूप में इनकी एक्टिंग के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। प्रियामणि को हाल ही में अमेज़न प्राइम वीडियो की वेब सीरीज फैमिली मैन में मनोज बाजपाई के साथ काम करते देखा गया था। प्रियामणि की पसंदीदा चीज़ों की बात की जाए तो इन्हें आइसक्रीम, चिकन बिरयानी और चॉकलेट्स काफ़ी पसंद है। वहीं खेल कूद में उनको क्रिकेट देखना और खेलना भी पसंद है। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी लेजेंडरी हवा हवाई यानी कि श्रीदेवी जी। वहीं एक्टर की बात की जाए तो प्रियामणि को कमल हसन काफ़ी पसंद है। अब आपको बता दें, 2021 में आ रही फिल्म मैदान में अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी प्रियामणि। देखते हैं इस फिल्म में क्या कमाल दिखाएंगी अभिनेत्री।
तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको प्रियामणि की सबसे ज़बरदस्त एक्टिंग किस फिल्म में लगी और क्यों, और साथ ही साथ आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें भी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल पॉलीग्रास स्टूडियोज़ को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज की स्क्रिप्ट राइटर है स्नेहा। कब होगी फिल्म मैदान की रिलीज? कौन कर रहा है इस फिल्म को डायरेक्ट? क्या फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है? नमस्कार, बॉलीग्रास स्टूडियो में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान मूवी से रिलेटेड कुछ जबरदस्त बातें। बॉलीवुड के एक्शन हीरो अजय देवगन अब अपनी आने वाली फिल्म में पहली बार एक स्पोर्ट्स कोच की भूमिका में नजर आने वाले हैं। आने वाली फिल्म मैदान की कहानी सईद अब्दुल रहीम की लाइफ पे बेस्ड होने वाली है और इस फिल्म में अजय सईद अब्दुल का किरदार निभाते नजर आएंगे। जैसा हम हमेशा से ही अजय देवगन को एक्शन और अब कुछ सालों से कॉमेडी फिल्मों का हिस्सा बनते देख रहे हैं, चाहे वो रोहित शेट्टी की गोलमाल के सीक्वल्स हो या एक्शन फिल्म सिंघम के सीक्वल्स, शुरू से ही अजय देवगन अपने इन्हीं जॉनर के लिए फेमस रहे हैं। अब आने वाली फिल्म मैदान, जो कि एक रियल इंसिडेंट पे घटी एक घटना की कहानी होने वाली है, जिसमें लाजमी है कि हमें कोई एक्शन और इतनी कॉमेडी शायद ही देखने को मिले। तो अजय का ये नया स्टाइल भी देखते हैं कि इसमें क्या नया अजय अपने दर्शकों के लिए लाते हैं। वही फिल्म अब अक्टूबर 15 को रिलीज की जाएगी। पहले ये फिल्म 13 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में अजय देवगन संग प्रियमणि, गजराज रॉय और रुद्रालय घोष भी नजर आएंगी। फिल्म की ऑलमोस्ट शूटिंग खत्म हो चुकी है। वहीं इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अमित रविंद्रनाथ शर्मा, जो डायरेक्टर के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं। 2018 में आई अमित शर्मा की डायरेक्शनल फिल्म बधाई हो उसी साल यानी 2018 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी थी बॉलीवुड की, जिसे 220.34 करोड़ तक का कलेक्शन किया था। डायरेक्शन के पहले अमित शर्मा 2005 से 2015 तक 900 से भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट डायरेक्ट कर चुके हैं, जिनमें गूगल, कोका कोला और अमेजॉन शामिल है। 2014 में प्रोड्यूसर बॉनी कपूर द्वारा अमित शर्मा को उनके बेटे यानी अर्जुन कपूर की फिल्म तेवर को डायरेक्ट करने का ऑफर मिला, जहां ये फिल्म तेलुगु की फिल्म ओकाडू का रीमेक रही। वहीं ये फिल्म बॉलीवुड में अपना कमाल नहीं दिखा पाई और इस फिल्म को काफी पुअर रिव्यू अपने नाम करने पड़े। अब अमित शर्मा बधाई हो के बाद अजय देवगन की मैदान को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो देखना होगा अब इस फिल्म से अमित शर्मा कितना कलेक्शन बना पाते हैं। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अजय को इस फिल्म में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें बॉलीग्राड। किन पिक्चरों में जल्दी नजर आएंगे अजय देवगन? किस फिल्म के लिए हैं उनके फैंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड? कब होगा ये फिल्म रिलीज? इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की आगामी फिल्मों के बारे में। दोस्तों, अजय देवगन इन दिनों काफी चर्चे में हैं, क्योंकि वे बहुत जल्द ही कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। अजय ने हमेशा से ही अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन दिया है। उनके एक्शन सीन्स लोगों को काफी पसंद आता है और जिस कारण ही उन्हें बहुप्रतीक्षित अभिनेता माना जाता है। उनकी फिल्म तानाजी ने जो कमाई किया था और जो बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन दिया था, वह काबिले तारीफ है। उनके फैंस हमेशा से ही उनके फिल्मों के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आइए जानते हैं वे किन किन फिल्मों में बेहद जल्द नजर आने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बात करते हैं उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया की। आपको बता दें कि यह फिल्म अभिषेक दुधाया द्वारा निर्देशित की जा रही है और यह फिल्म एक आगामी हिंदी भाषी वॉर एक्शन फिल्म है। इस फिल्म में 1971 के इंडो पाकिस्तान युद्ध को दर्शाया जाएगा। यह फिल्म एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है, इस बात में कोई संशय नहीं है। इस फिल्म में अजय के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नौरा फतेही भी मुख्य कलाकार के रूप में शामिल होंगी। इसके अलावा अजय मे डे में भी डायरेक्टर
प्रोड्यूसर और अभिनेता के रूप में नजर आएंगे। ये फिल्म दोहा कोची फ्लाइट वाली इंसिडेंट से रिलेटेड रहेगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और राकुल प्रीत भी नजर आएंगी। वहीं अजय आलिया भट्ट की तेलुगु फिल्म RRR में भी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दिखेंगे। इन सब के अलावा वे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित अपने आगामी फिल्म मैदान को लेकर है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बारे में। दोस्तों, मैदान एक आगामी भारतीय हिंदी भाषी जीवनी पर आधारित फिल्म है, जो कि भारतीय फुटबॉल 1952 से 1962 के स्वर्ण पदक युग पर आधारित है। इसमें अजय देवगन ने मुख्य अभिनेता के रूप में फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रूप में नजर आएंगे। मैदान अमित शर्मा द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित की जा रही है। बता दें कि यह बहुप्रतीक्षित फिल्म दशहरा के मौके पर 15 अक्टूबर 2000। तो कितना जानते हैं आप अभिनेत्री प्रियामणि के बारे में? किस किरदार में नजर आएंगी वह आगामी फिल्म मैदान में? क्या खास होने वाला है बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान में? इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जब कभी भी हम आपके पसंदीदा सितारों के फिल्मों के बारे में अपडेट्स लाएं तो वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म मैदान से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। दोस्तों, मैदान एक आगामी भारतीय हिंदी भाषी जीवनी पर आधारित फिल्म है, जो कि फुटबॉल 1952 से लेकर 62 के स्वर्ण युग पर आधारित है। और इसमें अजय देवगन ने मुख्य अभिनेता के रूप में फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रूप में नजर आएंगे। मैदान अमित शर्मा द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियोज द्वारा निर्मित है। इस फिल्म में अभिनेत्री प्रियामणि मुख्य किरदार को निभाने वाली है। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ बातों के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रहीम का जन्म 17 अगस्त 1909 को भारत के हैदराबाद में हुआ था। अपनी शुरुआती दिनों में उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया और जहां से उन्होंने स्नातक भी किया और एक टीम 11 हंटर्स के लिए खेला, जो कि कॉलेज के वर्तमान और पूर्व के छात्रों से बनाया हुआ था। वहीं साल 1943 में रहीम को हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव के रूप में चुना गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह 1943 से लेकर 1963 तक हैदराबाद सिटी पुलिस के कोच भी बने थे। भारत के कोच के रूप में रहीम का पहला कदम 1949 में सिलोन दौरे पर जाने वाली टीम को प्रतीक्षित करना था। दो साल बाद भारत ने 1951 में अपने पहले एशियाई कप में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं अगर आगामी फिल्म मैदान की मुख्य अभिनेत्री प्रियामणि की बात करें तो दोस्तों, खूबसूरत व बेहद टैलेंटेड अभिनेत्री प्रियामणि का जन्म बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। वह एक तमिल परिवार से बिलोंग करती है। उन्होंने अपने स्कूल के वर्षों के दौरान कांचीपुरम सिल्क, इरोड सिल्क और लक्ष्मी सिल्क के लिए मॉडलिंग भी किया था। वहीं बात अगर उनकी फैमिली बैकग्राउंड की करें तो उनके पिता वासुदेव मणि एक वृक्षारोपण व्यवसाय के मालिक है और उनकी माँ पूर्व में राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी है, जिनका नाम लता मणि है, जो कि तिरुवनंतपुरम से बिलोंग करती है। अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्रियामणि ने प्रिंट विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग भी किया था। प्रियामणि ने पत्राचार के माध्यम से मनोविज्ञान में कला स्नातक की डिग्री भी हासिल की थी और आज प्रिया बेहद खूबसूरत व टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। बता दें कि प्रिया को कई अवार्डों से नवाजा भी गया है, जिसमें कि 2012 की फिल्म फेयर एक्ट्रेस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस कन्नड, फिल्म फेयर OTT अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा सीरीज फीमेल, जो कि उनके फिल्म द फैमिली मैन के लिए मिली थी, मुख्य रूप से शामिल है। इतना ही नहीं, प्रिया को 2020 के फिल्म फेयर OTT अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस सीरीज फीमेल फॉर द फैमिली मैन के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। प्रिया इन दिनों जाने माने चेहरों में से एक बन चुकी है। फिलहाल वे अपनी आगामी फिल्म मैदान के लिए काफी चर्चे में है, जिसमें वह मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आएंगी। प्रिया के बाकी फिल्मों को देखकर और अजय देवगन के अब तक के दमदार परफॉर्मेंस को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये फिल्म
सुपर डुपर हिट होने वाली है। वैसे इस बारे में आप क्या क्या कहना है ये हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि होगी अजय देवगन की आगामी फिल्म मैदान और कौन है सैयद अब्दुल रहीम, कब होगी ये फिल्म रिलीज। इन सभी बातों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में और आज हम बात करेंगे फिल्म मैदान के बारे में। दोस्तों मैदान एक आगामी भारतीय हिंदी भाषी जीवनी पर आधारित फिल्म है जो कि भारतीय फुटबॉल 1952 से 62 तक के स्वर्ण युग पर आधारित है और इसमें अजय देवगन ने मुख्य किरदार को निभाते हुए फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के रूप में नजर आएंगे। मैदान अमित शर्मा द्वारा निर्देशित और जी स्टूडियो द्वारा निर्मित की गई है। अगर आप भी अजय के फैंस हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ये फिल्म कब रिलीज होगी तो आपको बता दें कि बहुप्रतीक्षित फिल्म मैदान दशहरा के मौके पर 15 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर के सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि फिल्म में अजय देवगन भारतीय फुटबॉल कोच रहीम के किरदार को निभा रहे हैं तो आइए जानते हैं सैयद अब्दुल रहीम के बारे में कुछ अनकही बातें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रहीम का जन्म 17 अगस्त 1909 को भारत के हैदराबाद में हुआ था। अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किया था जहां से उन्होंने स्नातक किया और एक टीम 11 हंटर्स के लिए खेला जो कॉलेज के वर्तमान और पूर्व के छात्रों से बनाया गया था। एक शिक्षक के रूप में उन्होंने अपनी यात्रा के बाद रहीम ने अपनी कला की डिग्री पूरी करने के लिए कॉलेज में वापसी की। इसके बाद उन्होंने काचीगुड्डा मिडिल स्कूल में और उर्दू शरीफ स्कूल में दरुल उल उलम हाई स्कूल और चदरघाट हाई स्कूल में क्रमिक रूप से शिक्षक के रूप में काम किया। रहीम कुछ समय के लिए पेशेवर फुटबॉल थे क्योंकि उन्होंने कमर क्लब का प्रतिनिधित्व किया था जिसे तब स्थानीय लीग में सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक मानी जाती थी। बता दें कि प्रबंधक बनने से पहले रहीम ने डच क्लब HSV होएक के लिए भी खेला था। 1943 में रहीम को हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव के रूप में चुना गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह 1943 से 63 तक हैदराबाद सिटी पुलिस के कोच भी बने थे। भारत के कोच के रूप में रहीम का पहला काम 1949 में सिलोन दौरे पर जाने वाली टीम को प्रशिक्षित करना था। दो साल बाद भारत ने 1951 में अपने पहले एशियाई कप में स्वर्ण पदक जीता था जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। रहीम का कार्यकाल के दौरान भारतीय टीम को बहुत सारी सफलताएं मिली थी। 1942 और 1962 में एशियाई खेलों को जीतने के अलावा भारत 1946 के मेलबोर्न ओलंपिक के सेमीफाइनल में भी पहुंचना जिसे आज भी फुटबॉल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। वहीं रहीम की आखिरी सफलता 1962 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में हुई थी जहां भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और दक्षिण कोरिया को करीब 1,00,000 लोगों के बीच फाइनल्स में हराया था। बता दें कि ऐसा लोगों का मानना है कि वह वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा और अब उनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है मैदान, जिसमें अजय देवगन उनकी भूमिका को निभा रहे हैं। और बता दें कि इस फिल्म के घोषणा होने के साथ ही फैंस और फुटबॉल की लगभग जितने भी फैंस है वो सारे काफी एक्साइटेड है और फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बस इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्त? आखिर कौन सी फिल्मों से प्रियामणी ने बॉलीवुड फिल्मों की शुरुआत की, किस फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और कौन कर रहा है अजय की माँ का किरदार इस फिल्म में? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोरा, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म मैदान से रिलेटेड कुछ काफी रोचक बातें। एक ही आइटम नंबर से सुर्खियों में आने वाली अभिनेत्री प्रियामणी आपको फिल्म मैदान में एक माँ का रोल प्ले करती नजर आने वाली हैं। 1, 2, 3, 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी सुपरहिट फिल्म का ये सुपरहिट आइटम सॉन्ग जिसे प्रियामणी ने बॉलीवुड में अपना कदम रखा और आते ही सबके दिलों को जीत लिया। प्रियामणी एक काफी पॉपुलर भारतीय अभिनेत्री और मॉडल भी हैं, जिन्होंने इवारे अतागदू जो 2003 में आई थी, फिर 2007 में आई फिल्म पारुथी वीरन, यामाडोंगा,
आखिरी कथा 2008 जैसी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। प्रिया वसुदामानी अय्यर उर्फ प्रियामनी की अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रूप में सफल रही हैं। इसके चलते उनके पास फेमस और अधिक फिल्मों के काफी ऑफर भी आए। 2012 में आई थी फिल्म अलोन पर आधारित मल्टीलिंगुअल फिल्म चारुलता में जुड़वा बच्चों के उनके इस किरदार को बहुत ही तारीफें मिली थी और फिल्म फेयर में तीसरा सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का खिताब भी इन्होंने अपने नाम कर लिया था। इनके अचीवमेंट्स की बात की जाए तो ये यही खत्म नहीं होती। 2015 और 2016 में लगातार दो साल तक बेस्ट सेलिब्रिटी जज के लिए एशिया विजन टेलीविजन अवार्ड भी जीता था इन्होंने। 2008 की मलयालम फिल्म तिरुकथा में मालविका के रूप में इनकी एक्टिंग के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। प्रियामनी को हाल ही में Amazon Prime Video की वेब सीरीज फैमिली मैन में मनोज बाजपाई के साथ काम करते देखा गया था। प्रियामनी की पसंदीदा चीजों की बात की जाए तो इन्हें आइसक्रीम, चिकन बिरयानी और चॉकलेट्स काफी पसंद है। वहीं खेल कूद में उनको क्रिकेट देखना और खेलना भी पसंद है। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी लेजेंडरी हवा हवाई यानी कि श्रीदेवी जी। वहीं एक्टर की बात की जाए तो प्रियामनी को कमल हसन काफी पसंद है। अब आपको बता दें 2021 में आ रही फिल्म मैदान में अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी प्रियामनी। देखते हैं इस फिल्म में क्या कमाल दिखाएंगी अभिनेत्री। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको प्रियामनी की सबसे जबरदस्त एक्टिंग किस फिल्म में लगी और क्यों, और साथ ही साथ आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें भी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। क्या है आखिर अजय देवगन का ड्रीम रोल? क्या बॉलीवुड सिनेमा में अब कंटेंट के नाम पर स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्में ही रह गई हैं बनाने को? क्या ये आने वाली फिल्म किसी के बायोपिक पर बेस्ड है? नमस्कार, बॉलीग्राड स्टूडियोज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मैदान मूवी से रिलेटेड कुछ रोचक बातें। जहां 2020 और 2021 कोरोना वायरस को लेके सुर्खियों में रहा है, वहीं बॉलीवुड भी अपनी स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज को लेके सुर्खियों में है। जी हां, बात पिछले साल की करें तो कंगना की पंगा ने काफी धूम मचाई थी, जिन्हें दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया था। वहीं इस साल भी काफी स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म की होड़ लग गई है। फरहान की तूफान, विजय देवरकोंडा की लाइगर, शाहिद की जर्सी, परिणीति की साइना और रणवीर सिंह की 83। अब या तो हमारे देश में स्पोर्ट्स और उनकी कहानियां बहुत है, या तो डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास कोई और कंटेंट बचा नहीं है फिल्म बनाने के लिए। अब चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो या रिसेंटली आई फिल्म साइना ही क्यों ना हो। वहीं जहां सब डायरेक्टर एक के बाद एक स्पोर्ट्स ड्रामा बेस्ड फिल्म लेकर आ रहे हैं, वहीं अमित रविंद्रनाथ शर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म मैदान से अपने दर्शकों को कुछ नया और इंटरेस्टिंग दिखाने वाले हैं। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। इस फिल्म को पहले 13 अगस्त को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब इस फिल्म को अक्टूबर में 15 को रिलीज किया जाएगा। फिल्म में अजय देवगन के अलावा प्रियामणि गजराज रॉय और रुद्र नील घोष भी नजर आएंगे। इस फिल्म के अलावा अजय देवगन के पास कई फिल्में हैं, जिसमें भूज, द प्राइड ऑफ इंडिया, RRR, मैड। फिल्म मैदान एक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम कोच और मैनेजर सईद अब्दुल रहीम की स्टोरी से इंस्पायर्ड होके बनाई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि अजय देवगन का ड्रीम रोल था कि वो एक फुटबॉल कोच का रोल प्ले करे कभी ना कभी अपनी किसी फिल्म में, और लीजिए वो मौका अजय देवगन की लाइफ में आ गया। वहीं इस फिल्म में दो यूथ को नागालैंड से बुलाया गया है, मजीजोतो टेत्सो और मिसीवी कहिया। दोनों ही एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर हैं और इस फिल्म में वो अजय देवगन के साथ नजर आएंगे। तब तक के लिए हमें कमेंट सेक्शंस में बताइए कि आपको इस फिल्म की कास्टिंग कैसी लगी, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। जानिए कौन है निर्देशक अमित शर्मा, प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक का ऑफर क्यों टुकरा दिया था उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राड स्टूडियोज में। अमित रविंद्रनाथ शर्मा एक भारतीय निर्देशक और निर्माता है, जो मुख्य रूप से टेलीविजन विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। आइए आज हम आपको उनके फिल्म करियर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं।
अमित शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता भारत सरकार के लिए काम करते थे। जब वे स्कूल में ही पढ़ाई कर रहे थे उसी वक्त वह फिल्म निर्देशक प्रदीप सरकार से जुड़े और जिन्होंने उन्हें मनाली में एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। 2001 में मुंबई शिफ्ट होने से पहले और अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 6 सालों तक प्रदीप सरकार के साथ काम किया। 2 साल बाद उन्होंने प्रदीप का साथ छोड़ दिया था और 2004 में उन्होंने आलिया सेन और हेमंत भंडारी के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी क्रोम पिक्चर्स की स्थापना की। उसी साल बाद उन्हें प्रदीप की एक फिल्म परिणीता में एक असिस्टेंट की भूमिका ऑफर हुई जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। साल 2005 से लेकर 2015 के बीच अमित ने 900 से अधिक विज्ञापनों का निर्देशक किया है जिनमें गूगल, कोका कोला और अमेज़न जैसे कई ब्रांड भी शामिल है। 2011 में उन्होंने द साइलेंट नेशनल एंथम नामक एक विज्ञापन का निर्देशन किया था जिसमें मूक और बधिर लोग साइन लैंग्वेज के माध्यम से जनगण मन का गायन करते दिखाई दे रहे थे। इसके लिए उन्हें कांस लायंस इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ क्रिएटिविटी में एक सिल्वर अवार्ड भी मिला। 2013 में आए लाइफ बॉय के एक विज्ञापन में भारतीय गांवों में स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसके लिए उन्हें पाइक आशीय अवार्ड में गोल्ड मिला। यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके द्वारा निर्देशित गूगल रीयूनियन का विज्ञापन सबसे मशहूर रहा। 2013 में आए इस विज्ञापन में अदेड उर्म के दो आदमियों के रीयूनियन की एक काल्पनिक कहानी थी जहां एक भारत से था तो दूसरा पाकिस्तान से। दोनों के बचपन ही दोस्त थे पर बंटवारे के बाद अलग हो गए। इस विज्ञापन का दोनों देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा जिसने लोगों में उम्मीद जताई थी कि अब ट्रैवलिंग पर लगी रोक शायद कुछ कम हो सके। टेलीविजन पर आने से पहले ही यूट्यूब पर इस एड ने 1.6 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे। इस दौरान उनके काम को द इकोनॉमिक टाइम्स ने भारतीय विज्ञापन की समकालीन सबसे बड़ी हिट के रूप में वर्णित किया था। साल 2014 में अमित को निर्माता बोनी कपूर द्वारा फिल्म सेवर के निर्देशन के लिए आमंत्रित किया गया था और हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यू ज्यादा मिले। उसके बाद 2016 में उन्हें कांस लायंस क्राफ्ट की जूरी में चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने फिल्म बदाए हो के निर्देशन पर काम शुरू कर दिया जिसकी शूटिंग 2017 में शुरू हो गई थी। निर्देशन के अलावा उन्होंने इसे जंगली पिक्चर्स के साथ मिलकर अपने पिक्चर्स बैनर क्रोम पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस भी किया था। फिल्म एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। आपको बता दें कि फिलहाल अमित पूर्व फुटबॉल कोच सायद अब्दुल रहीम के जीवन और करियर पर आधारित फिल्म मैदान की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। फिल्म इसी साल 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर किस अभिनेत्री को कहा जाता है पावर हाउस परफॉर्मेंस और क्या है इस अभिनेत्री का एक्ट्रेस विद्या बालन के साथ रिश्ता, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट अभिलाषा दुबे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों फैंस द्वारा पावर हाउस परफॉर्मेंस का खिताब पा चुकी प्रिया मणि आज से तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ ही नहीं बल्कि हिंदी भाषाओं में भी फिल्में करने लगी हैं। दोस्तों अभिनेत्री प्रिया मणि आजकल सबकी चहेती बन चुकी है और इस वक्त वे काफी चर्चे में है अपने आगामी फिल्म मैदान को लेकर जो कि इसी वर्ष रिलीज होने वाली है। आइए जानते हैं अभिनेत्री प्रिया मणि की जिंदगी से जुड़े कुछ बातों को। दोस्तों 4 जून 1986 को बैंगलोर के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी अभिनेत्री प्रिया मणि का पूरा नाम प्रिया वासुदेव मणि अय्यर है और उनके पिता वासुदेव मणि एक प्लांटेशन का बिजनेस करते हैं। वहीं उनकी माता लता मणि नेशनल लेवल पर एक बैडमिंटन खिलाड़ी और एक मैनेजर भी रह चुकी है। दोस्तों अभिनेत्री प्रिया अपने स्कूली दिनों में काफी सारे स्पोर्ट्स में भाग भी लेती थी और उन दिनों वह कांचीपुरम सिल्क, लक्ष्मी सिल्क और ईरोड सिल्क में भी मॉडलिंग किया करती थी। और जब अभिनेत्री 12वीं कक्षा में गई तो तमिल के एक निदेशक भारती राजा ने उनका परिचय फिल्म इंडस्ट्री से करवाया। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री प्रिया मणि
अभिनेत्री विद्या बालन की कजिन सिस्टर भी है। दोस्तों अभिनेत्री प्रिया ने अपनी फिल्मी करियर इवाड़े अथमाणु नामक एक फिल्म से शुरू की और मलयालम में उनकी करियर सत्यम नामक एक फिल्म से शुरू हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी तमिल फिल्म आधा ओडू कानाकल्लम से शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी भाषाओं में कई फिल्में किए, जिसके बाद उन्हें निर्देशक मणिरत्नम ने अपने हिंदी व तमिल फिल्म रावण के लिए साइन किया था। इसके बाद निर्देशक व निर्माता रामगोपाल वर्मा ने भी उन्हें रक्त चित्र फिल्म के लिए चुना था। वैसे आपको बता दें कि अभिनेत्री प्रिया मणि ने शाहरुख खान स्टारर चेन्नई एक्सप्रेस में एक आइटम सॉन्ग भी किया था और ये आइटम सॉन्ग काफी बड़ी हिट भी रही थी। वैसे इसके अलावा प्रिया मणि अब अमेज़न प्राइम वीडियो में वेब सीरीज भी बना चुकी है, जिसमें लीड एक्टर मनोज बाजपेयी रहे थे और इस वेब सीरीज का नाम द फैमिली मैन है। अभिनेत्री प्रिया मणि को कई सारे नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है और 23 अगस्त 2017 को उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन मुस्तफा राज से शादी कर लिया था। दोस्तों प्रिया मणि को उनके फैंस पावर हाउस परफॉर्मर का नाम दे चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि प्रिया मणि किसी भी तरह के रोल में फिट आ सकती है या वे किसी भी तरह के रोल को अदा कर सकती है। फिलहाल उनके आने वाले पिक्चर मैदान के लिए हमारे तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जो कि आगामी 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसा क्या हुआ जो उठाना पड़ा इस फिल्म को भारी नुकसान? क्यों डूब गए निर्माताओं के 7 करोड़? जानते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीग्रेड स्टूडियोज में, जहाँ आपको देखने को मिलती है बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ इंडियन फिल्मों के साथ वेब सीरीज के बारे में अपडेट्स, फैक्ट्स और मनोरंजक ट्रिविया। फिल्म मैदान की काफी शूटिंग मार्च 2020 के पहले पूरी हो चुकी थी। अजय देवगन और फिल्म का पूरा क्रू अपनी फिल्म की आगे की शूटिंग के लिए रेडी थे, पर पूरी दुनिया भर में फैली महामारी की मार इस फिल्म को भी झेलनी पड़ी। निर्माताओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजय देवगन की फिल्म मैदान के क्लाइमेक्स की शूट के लिए पूरे स्टेडियम के सेट का निर्माण किया गया था। ये स्टेडियम का सेट मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन एरिया में क्रिएट किया गया था। इसकी बताई गई लागत करीब करीब 7 करोड़ थी। इस सेट को बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं ने दर्जनों एकड़ जमीन 2 महीने के लिए किराए पर ली थी, पर इस कोरोना महामारी के कारण शूट को कैंसिल करना पड़ा। उन्होंने अपने एक आधिकारिक बयान में भी बताया कि अमिताभ शर्मा, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ये सीक्वेंस लास्ट में शेड्यूल किया था, जो कि फिल्म में कई फुटबॉल मैच को जोड़ने के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट था। इस सेट को टॉयलेट, मेकअप रूम्स और पीसीआर यानी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम का सहारा लेकर काया पलट कर स्टेडियम बनाया था। निर्माता और निर्देशक को आशा थी कि लॉकडाउन जल्द ही खुल जाएगा, पर लॉकडाउन भी कोरोना वायरस की तरह निकला, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस सेट को यूज नहीं होने पर निर्माताओं को काफी बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। बाद में जाकर बारिश होने की वजह से ये पूरी तरह से खराब हो गया। बाद में फिर से सेट को रिक्रिएट करना पड़ा, जिसके लिए फिर से एक बड़ा खर्चा हो गया। इस शेड्यूल में फॉरेन एक्ट्रेस की भी जरूरत थी, पर उनके देशों में भी अलग अलग नियमों की वजह से शूट काफी लंबा खिंच गया। फिल्म के बारे में और बात करें तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर बॉनी कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के बारे में बताया था कि फिल्म में खिलाड़ियों का रोल प्ले करने वाले सारे प्लेयर्स नए हैं, इन्हें पिछले 6 महीने से ट्रेनिंग दी गई है और अब ये एक अच्छे फुटबॉलर बन गए हैं। हमें इस फिल्म के कई सीन कोलकाता में भी शूट करवाने थे, क्योंकि कोलकाता फुटबॉल का हब है और इस शहर की फुटबॉल से जुड़ी हिस्ट्री भी रही है, पर एन वक्त पर सब शूट कैंसिल करवाने पड़े। मैदान को बधाई हो। फिल्म डायरेक्टर अमित रविंद्रनाथ शर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं बॉनी कपूर, आकाश चावला, अलुनवा राय, सैन गुप्ता। प्रोडक्शन हाउस के बैनर में है जी स्टूडियो। फिल्म के बारे में और अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को और पाते रहिए फिल्मी दुनिया के फ्यूचर अपडेट्स। शुक्रिया। क्या अजय देवगन की मैदान में शामिल होंगे दुनिया भर के फुटबॉल खिलाड़ी? क्या होने वाली है मैदान की खास बातें? कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में शामिल है। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग आखिरी चरण में है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान निर्देशक ने बताया कि इस फिल्म में दुनिया भर से फुटबॉल खिलाड़ी शामिल होने वाले हैं और जल्दी ही अलग अलग टीमों की शूटिंग भी होने वाली है। अमित शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। वो क्वारंटीन पर थे, लेकिन अब वो कोरोना नेगेटिव हो चुके और वापस लौट चुके। शूट शुरू भी हो चुका है। मैदान के लिए फुटबॉल मैच के सीरीज शॉट किए जाएंगे, जहां भारत को अन्य देशों के साथ फुटबॉल मैच खेलते दिखाया जाएगा।
बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए निर्देशक ने कहा, थाईलैंड से खिलाड़ी भारत पहुंच चुके हैं, वो मेरे कोरोना नेगेटिव होने की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हम उनके मैच के साथ शूटिंग शुरू करेंगे और फिर कुछ दिनों की ब्रेक लेकर सभी दूसरे देशों के साथ मैच की शूटिंग करेंगे। ये एक टाइट शेड्यूल होने वाला है। मार्च से ही इस हिस्से की शूटिंग होनी थी लेकिन कोविड की वजह से टल गई। निर्देशक ने कहा, हम एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर सभी भारतीयों को गर्व होगा। मैदान 15 अक्टूबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम में रिलीज होने वाली है। आपको बता दें, फिल्म की लगभग एक महीने की शूटिंग अभी बची है। निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि लगभग एक महीने की शूटिंग बाकी है लेकिन ये मई अंत तक जाएगी क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए होगा ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सके। वहीं अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार करने वाले हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने दिल खोल कर तारीफ की और कहा, अजय सर ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को जरूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी। मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार हैं। वहीं फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण काल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया। बोनी कपूर ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है मैं बहुत खुश हूँ। अमित शर्मा ने शानदार काम किया है और हम वाकई दोस्तों तहलका मचाने को तैयार है और इसे अगस्त के महीने में रिलीज किया जाना है। इसी साल RRR के साथ इसका क्लैश हो सकता है। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं मैदान का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे जानिए कौन है निर्देशक अमित शर्मा, प्रदीप सरकार जैसे निर्देशक का ऑफर क्यों ठुकरा दिया था उन्होंने। नमस्कार, मैं हूँ राजश्री, स्वागत है आपका पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। अमित रविंद्रनाथ शर्मा एक भारतीय निर्देशक और निर्माता है जो मुख्य रूप से टेलीविजन विज्ञापनों के निर्देशक के रूप में काम करते हैं। आइए आज हम आपको उनके फिल्म करियर से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। अमित शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता भारत सरकार के लिए काम करते थे। 2001 में मुंबई शिफ्ट होने से पहले और अपनी ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने 6 सालों तक प्रदीप सरकार के साथ काम किया। 2 साल बाद उन्होंने प्रदीप का साथ छोड़ दिया था और 2004 में उन्होंने आलिया सेन और हेमंत भंडारी के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी क्रोम पिक्चर्स की स्थापना की। उसी साल बाद उन्हें प्रदीप की एक फिल्म परिणीता में एक असिस्टेंट की भूमिका ऑफर हुई जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। साल 2014 में अमित को निर्माता बोनी कपूर द्वारा फिल्म तेवर के निर्देशन के लिए आमंत्रित किया गया था और हालांकि फिल्म को नेगेटिव रिव्यू ज्यादा मिले। इसके बाद उन्होंने फिल्म बदाए हो के निर्देशन पर काम शुरू कर दिया जिसकी शूटिंग 2017 में शुरू हो गई थी। निर्देशन के अलावा उन्होंने इसे जंगली पिक्चर्स के साथ मिलकर अपने पिक्चर्स बैनर क्रोम पिक्चर्स के तहत प्रोड्यूस भी किया था। आपको बता दें कि फिलहाल अमित पूर्व फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम के जीवन और करियर पर आधारित फिल्म मैदान की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर कर रहे हैं। फिल्म इसी साल 15 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के हमारे स्क्रिप्ट के राइटर है शुरू हुई अजय देवगन की मैदान की शूटिंग, क्या होने वाली है मैदान की खास बातें, कब ये रिलीज होगी और किससे क्लैश होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जोयाल। बॉलीवुड में एक बार फिर से कोरोना का कहर काफी तेज हो चुका है। एक के बाद एक कई कलाकार कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हाल ही में अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान के निर्देशक अमित शर्मा को कोरोना हो गया था जिसके बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई, वो क्वारंटीन हो गए और अब वो कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। आपको बता दें, फिल्म की लगभग एक महीने की शूटिंग बची है। निर्माता बोनी कपूर ने कहा कि लगभग एक महीने की शूटिंग बाकी है लेकिन ये मई तक जो एंड होगा तब तक हो पाएगी क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सकता है।
और वहीं फिल्म से जुड़ी एक सूत्र ने बताया कि अमित हाल ही में कोरोना नेगेटिव हुए हैं, वो अब स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और जल्दी ही शूटिंग में वापस लौटेंगे। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। वहीं बोनी कपूर ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है मैं बहुत खुश हूँ, अमित शर्मा ने शानदार काम किया है, ये उनकी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में शामिल होगी, ये एक ऐसी रियल घटना है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। वहीं अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने खोल कर तारीफ की, दिल खोल दिया उन्होंने और कहा कि अजय सर ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को जरूर दिखेगा, उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे, मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी और मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार हैं। वहीं आपको बता दें ये फिल्म 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज होने वाली है, इसे हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम में रिलीज किया जाना है। फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण काल दिखाया जाएगा, सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया। वहीं सैयद पेशे से एक टीचर थे, उनमें लोगों को प्रोत्साहित करने की बड़ी खूबी थी, इसी का फायदा उन्हें मिला और 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच रखा गया। उनके आने के बाद हैदराबाद टीम ने कई बार कप भी जीता और कई बार फाइनल में भी पहुंची। कैंसर होने के बाद भी देश और खेल के प्रति उन्होंने अपना जोश हमेशा कायम रखा और 1962 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपनी टीम का गठन किया। भारतीय टीम ने सैयद के नेतृत्व में खुद को फाइनल तक पहुंचाया भी। तो दोस्तों फाइनली मैदान बनकर रिलीज होगी, आप कितना वेट कर रहे हैं इस फिल्म का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत करती हूं आप सबका बॉलीग्रास स्टूडियोज में, जहां आज हम जानेंगे भारत के 5 सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में। भारत में हर खेल को बड़े ही उत्साह से देखा और खेला जाता है, खासकर क्रिकेट को तो मानिए कि धर्म माना जाता है, वहीं फुटबॉल भी एक बहुत बड़ा खेल माना जाता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स में जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक आइकॉन माना जाता है, वहीं भारत में भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी खूब प्रशंसा होती है। तो आइए आज हम आपको ऐसे ही कुछ फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं। तो पहला नंबर आता है भाईचुंग भूटिया। भारत में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में लोकप्रिय भाईचुंग भूटिया फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक जाना माना नाम है। इन्होंने ओलंपिक मशाल रिले को मनाकर तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति सम्मान दिखाया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए 82 मैचों में 41 गोल किए हैं, जो कि निश्चित रूप से ही एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है, जो इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलरों के रूप में चुने जाने के विकल्प में स्थापित करता है। दूसरा, संध्या झिंगन। संध्या झिंगन भारत के लिए एक रक्षक की तरह है, जो फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक घरेलू नाम है। 2014 में इन्होंने राइजिंग प्लेयर का पुरस्कार जीता। 2015 में भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शुरुआत की। वो 2017 में एक नए सौदे पर हस्ताक्षर करके सुपर लीग के लिए सबसे अधिक भुगतान करने वाला डिफेंडर बने। हालांकि 2020 में उन्होंने ये क्लब छोड़ दिया। कई मौकों पर उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। तीसरा, सुनील छेत्री। भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कप्तान सुनील छेत्री निश्चित रूप से भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में होने के योग्य हैं। छेत्री को 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। सुनील छेत्री की बेहतर कप्तानी की बदौलत भारत ने साल 2008 में 27 साल में पहला एशियाई कप जीता। उन्हें बेशक ही सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर कहा जा सकता है, क्योंकि वो सक्रिय फुटबॉलर हैं जिन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरा सर्वोच्च गोल किया है। नेक्स्ट, गुरप्रीत सिंह संधू। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का नाम लेते हुए गुरप्रीत सिंह संधू का नाम ना आए तो गलत होगा। पूर्वी बंगाल और बेंगलुरु के लिए 28 वर्षीय गोलकीपर फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ने 6 साल तक पूर्वी बंगाल के लिए गोलकीपिंग के दौरान ख्याति अर्जित की। इस दौरान उनको 2011 में अंतर्राष्ट्रीय कॉलअप में डेब्यू करने का अवसर भी मिला। नेक्स्ट, जीजे लाल पेखलुआ।
जीजे एक अन्य प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर हैं जो चेन्नईयन और भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम दोनों में ही खेलते हैं। इंडियन सुपर लीग की शुरुआत से ही दूसरे सबसे बड़े भारतीय गोलकीपर होने के नाते उन्होंने लाइमलाइट और सफलता हासिल की। फुटबॉलर के परिवार से आने के कारण उनकी रुचि हमेशा से ही इस खेल में थी। 2015 में उनके करियर ने उड़ान भरी जब उन्होंने मोहन बागान और इंडियन सुपर लीग में चेन्नईयन के साथ आई लीग जीती। उन्होंने भारत की 2011 SAFF कप चैंपियनशिप जीत के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 SAFF कप में 3 महत्वपूर्ण गोल किए। लोकप्रियता के साथ अपने करियर में वो आगे निकल गए और कुछ ही समय में एक युवा आइकॉन बन गए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है। क्या अजय देवगन की फिल्म मैदान होगी उनके करियर की बेस्ट फिल्म? इस बारे में निर्माताओं ने क्या कहा, क्या होने वाली है अजय देवगन की फिल्म की खास बातें और कब ये रिलीज होगी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक मैदान की शूटिंग जारी है। इस फिल्म को 15 अक्टूबर 2021 को रिलीज किया जाना है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के निर्माता बोनी कपूर ने मैदान पर खुलकर बात की और कहा कि यह अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल होगी। अमित शर्मा के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अजय देवगन प्रसिद्ध फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभा रहे हैं। फिलहाल फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है जिसमें सभी फुटबॉल मैच के सीन फिल्माए जाएंगे। पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में निर्माता बोनी कपूर ने कहा, लगभग 1 महीने की शूटिंग बाकी है लेकिन ये मई अंत तक जाएगी क्योंकि हर मैच की शूटिंग के पहले कुछ दिनों का समय चाहिए होगा ताकि ग्राउंड और पिच को सही किया जा सके। वहीं निर्माता ने कहा कि फिल्म जिस तरह का आकार ले रही है मैं बहुत खुश हूँ। अमित शर्मा ने शानदार काम किया है, ये उनकी ही नहीं बल्कि मुझे लगता है बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। ये एक ऐसी रियल घटना है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। मैदान पर बात करते हुए निर्देशक अमित शर्मा ने कहा कि इस फिल्म के लिए हमें एक ऐसे फुटबॉलर्स की ज़रूरत थी जो अभिनय भी कर सके, ना कि ऐसे एक्टर जो फुटबॉल खेलने का नाटक कर सके। मुझे लगता है जो मैंने चाहा था मुझे वैसे ही खिलाड़ी मिले। वहीं अजय देवगन के बारे में बात करते हुए निर्देशक ने दिल खोल कर तारीफ की अजय सर के बारे में। उन्होंने कहा कि अजय ने जो समर्पण का स्तर दिखाया है वो लोगों को ज़रूर दिखेगा। उन्होंने न केवल एक फुटबॉलर के तौर पर खुद को तैयार किया बल्कि वो पूरी प्रोजेक्ट के दौरान लगातार जुड़े रहे। मैदान अजय सर के बिना नहीं बन सकती थी। मुझे लगता है कि वो एक और राष्ट्रीय पुरस्कार के हकदार है। बिल्कुल सही बात कही, अजय देवगन जो भी फिल्म करते हैं उसमें अपना 101% देते हैं, इसीलिए उभर कर आती है। आपको बता दें इस फिल्म में अजय देवगन सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका में दिखेंगे। ये फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगू, मलयालम में रिलीज होने वाली है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बधाई हो जैसी फिल्म के निर्देशक अमित रविंद्रनाथ शर्मा। तो बेहतरीन जुगलबंदी इसमें देखने को मिलेगी। कमाल के एक्टर हैं, कमाल के डायरेक्टर हैं। फिल्म में भारतीय फुटबॉल का स्वर्णकाल दिखाया जाएगा। सैयद अब्दुल रहीम भारत के सबसे बड़े फुटबॉल कोच में से एक माने जाते हैं जिन्होंने 1952 से 1962 तक राज किया था। वहीं सैयद पेशे से एक टीचर थे, उनमें लोगों को प्रोत्साहित करने की खूबी थी। इसी का फ़ायदा उन्हें मिला और 1943 में उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस की फुटबॉल टीम के साथ बतौर कोच रखा गया। उनके आने के बाद हैदराबाद टीम ने कई कप जीते, कई बार फाइनल में भी पहुंची। कैंसर होने के बाद भी देश और खेल के प्रति उन्होंने अपना जोश हमेशा कायम रखा। 1962 में एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने फिर से अपनी टीम का गठन किया। भारतीय टीम ने सैयद के नेतृत्व में खुद को फाइनल तक भी। तो दोस्तों, आप कितना वेट कर रहे हैं अजय देवगन की मैदान का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियो। ऐसी कौन सी 5 बातें हैं इस फिल्म के बारे में जो इसे फुटबॉल फैंस के लिए परफेक्ट बनाती हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रेया अरोरा और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है बॉलीग्रास स्टूडियोज़ पर। आज हम बात करने वाले हैं आने वाली मशहूर फिल्म मैदान के बारे में। अब वैसे तो इसके नाम से ही साफ हो जा रहा है कि ये फिल्म किसी मैदान से संबंधित होगी, लेकिन वो मैदान लड़ाई का मैदान होगा या खेल का
और अगर खेल का मैदान होगा तो कौन से खेल का, ये बात साफ नहीं हो रही है। और यही समझाने में मदद करता है इस फिल्म का पोस्टर, जिसपे अजय देवगन फुटबॉल खेलते नजर आ सकते हैं बाकी खिलाड़ियों के साथ। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो वैसे तो भारत में बहुत पहले से खेला जाता है, जैसा कि इस फिल्म से ही साबित हो जाएगा, पर अभी कुछ दशकों से ही लोगों का वो प्रेम मिला है इसे कि मान लीजिए ये एक अनऑफिशियल नेशनल गेम बन गया हो। अब क्योंकि हाल ही में इसने इतना नाम कमाया है तो मैदान ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो कि भारत के फुटबॉल में प्रदर्शन को फिल्म द्वारा लोगों तक पहुंचाएगी। अब क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है तो बेशक फुटबॉल के सभी फैंस इसकी रिलीज के लिए खूब इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आपके इस इंतजार को और भी मस्त बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ 5 ऐसी बातें जिसे सुन के आप सभी फुटबॉल फैंस बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फैक्ट से, जो कि ये है कि इस फिल्म के लिए इसके मुख्य अभिनेता और बाकी अभिनेता फुटबॉल सीख रहे हैं, और वो ये इसलिए कर रहे हैं ताकि फिल्म के ये सीन्स असली लगे। और यही नहीं बल्कि फिल्म को असलियत का टच देने के लिए और भी बहुत कुछ किया जा रहा है, जैसे कि इसके लिए सैयद अब्दुल रहीम के बारे में इसके मेकर्स ने बहुत जांच पड़ताल की है, और यही लीड करता है हमारा नेक्स्ट फैक्ट की ओर। तो इसके बारे में अगला फैक्ट ये है कि जब ये बनना शुरू ही हुई थी तब इसके सेट पर मिलने एक बहुत ही खास हस्ती ऐसी आई थी जिनसे इस फिल्म के बारे में और जिस दौरान में ये फिल्म सेट की गई है उसके बारे में बहुत कुछ पता चला था। ये हस्ती थी पीके बैनर्जी, जो कि एक पुराने समय के फुटबॉल खिलाड़ी है। इनके बारे में खास बात यह है कि इन्होंने सैयद अब्दुल रहीम के नीचे टीम में खेला है। इनफैक्ट जब इन्हें पता चला था कि ये फिल्म सैयद के ऊपर बन रही है तो वो ये बीमार होने के बावजूद सेट पर आए और क्रू को देखा और उनसे काफ़ी बातचीत करी, उनको काफ़ी बातें बताई सैयद के साथ काम करने के बारे में, और जहां इनसे क्रू को काफ़ी जानकारी मिली उस वक्त के बारे में, उनका आशीर्वाद भी मिला है इस फिल्म की अच्छी तरक्की के लिए। खैर अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सुनकर तो शायद बॉलीवुड लवर्स के होश ही उड़ जाएंगे। आपको बता दें कि असल में खबर ये आ रही है कि फिल्म में इंटरनेशनल फुटबॉल खिलाड़ी भी होने वाले हैं, और ये खबर शुरू में बहुत आई थी जब इस फिल्म के बनने की सिर्फ अनाउंसमेंट ही की गई थी। अब आपको बता दें कि जिस तरह से COVID-19 की बीमारी के कारण इस फिल्म के शूट को टाला जा रहा है, लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि ये बात सच हो और बीमारी का प्रकोप जब थोड़ा कम हो जाए तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपने देश से बुलाकर यहाँ इस फिल्म में रोल दिया जाए। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट इस फिल्म के बारे में है कि इसमें सिर्फ ये नहीं कि खेल दिखाया जाएगा किसी डॉक्यूमेंट्री की तरह, बल्कि इसमें फुटबॉल का सुनहरा युग को भी दिखाया जाएगा, और इस युग की हर अच्छी बुरी बात दिखाई जाएगी, जैसे वो कि उस वक्त किस तरह देश की सरकार इस खेल पर पैसे नहीं खर्चती थी। फुटबॉल के खेल पर तो इस कंजूसी से पैसा खर्चा जाता था कि उस वक्त खिलाड़ियों के पास जूते तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। सैयद ने ये बदलाव लाया कि उन्होंने जिद करके जूतों की सप्लाई करवाई भारतीय फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि जूते एक बहुत बड़ी कठिनाई बन चुकी थी और इस खेल के लिए अच्छे जूते होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम अलविदा लेते हैं आप सबसे। उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर के फिल्मी नर्ड को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर ऐसा हुआ है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हमें कमेंट करके बताइए आप हमारी अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो की स्क्रिप्ट थी प्रणामिका के द्वारा। चलिए अब अलविदा कहते हैं, अपना ध्यान रखिए।